नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजीटी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेजरमेंट ऑफ मैटर। हमें पता है कि मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर वी नो वेरी वेल। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आल्सो वी नो वेरी वेल। द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। कोई भी मैटर रहने दो, इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड द मैटर आल्सो। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी वी नो वेरी वेल। ओके, द मैटर इज मेड अप ऑफ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नोन एज एटम। एटम इज इंडिविजुअल इंडिस्ट्रक्टिव पार्टिकल ऑफ मैटर। देन द मास ऑफ द मैटर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स एटम्स। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने लर्न की थी। हाउ द कंपाउंड्स आर फॉर्म बाई द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंपाउंड्स आर फॉर्म, वी नो दिस ऑल थिंग। And we know the Dalton's atomic theory, then J.J. Thomson's atomic model, then the Rutherford's atomic model, then the Niels Bohr's atomic models, and we have studied all these things in the earlier standard. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है earlier standard में। तो इस lesson में हम लोग कुछ अलग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें देखने different types of laws like the law of chemical combination, law of the conservation of matter and the law of constant proportion। तो ये three laws दिए, उसके बाद में मैं atom, उसका साइज, देन साइज के बाद उसका शेप, मतलब साइज शेप वन, देन मास एंड द बैलेंस, ये चीज़ें पढ़ेंगे। देन द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, देन द मोल कंसेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स और द डिडक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूजिंग द बैलेंसेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड द ग्रुप्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। स्टेप वाइज मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा एंड देन विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। ये जो वीडियो है बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ये मैं अभी बता के रखता हूँ। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपको इस वीडियो में इस लेसन का पूरा नॉलेज मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, उसका नाम है द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसका नाम है केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी यहाँ पे मुझे सबसे आईएमपी चीज़ है जो मुझे एक एग्जांपल दिया है। ओके, उस एग्जांपल को हम लोग लर्न करेंगे। सो वन ऑफ द एग्जांपल इज गिवन इन योर बुक, कैल्शियम क्लोराइड। ये एक मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड का एक एक्वियस सोल्यूशन है, उसमें मैं सोडियम सल्फेट को ऐड कर देता हूँ। ये भी एक्वियस है, देन आई एम डूइंग दिस रिएक्शन, सो आई विल गेट कैल्शियम। ओके सॉरी, दिस कैल्शियम सल्फेट एज द प्रेसिपिटेट, ये मुझे प्रेसिपिटेट मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट, एंड प्लस मुझे मिलता है यहाँ पे टू NaCl इन एक्वियस फॉर्म, एक्वियस फॉर्म। तो एक एग्जांपल, इसके अंदर मैंने इसका जो वेट लिया था 320 ग्राम, इतना वेट लिया था मैंने इसका। And same weight when I just form the compounds, I observe the same weight of the compounds. तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। तो मुझे ये एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड को मैं क्या करता हूँ, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता हूँ। एंड वेन आई ऑब्टेन द प्रोडक्ट द कैल्शियम सल्फेट एंड द सोडियम क्लोराइड, द वेट ऑफ द इनिशियल रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स। तो ये इनिशियल रिएक्टेंट्स है जिनका वेट मैंने 300 ग्राम्स लिया था। So the same weight, these are the two reactants and these are the two products. I observe the same weights, okay, initial and final weight. So there was no change in the weights of the reactants and the products. And this is related to chemical combinations. मतलब जितने reactants chemically combine होते हैं उतने ही quantity के products मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं। So how much reactants are exactly taking part in the reaction, that much product is formed after the completion of reaction. तो मुझे ये सीखने को मिलता है। सो केमिकली कंबाइंड, सो हाउ मेनी रिएक्टेंट्स हैव बीन केमिकली कंबाइंड, दैट मच प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन। तो केमिकली कितने रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, यहाँ पे दो ही रिएक्टेंट्स है बट उनका वेट जो था 320 ग्राम, द सेम वेट आई ऑब्जर्व फॉर द प्रोडक्ट्स। तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन का रूल बोलता है। सो इससे बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो व्हाट, सो द वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स विल बी सेम इन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सेकंड थिंग, द रिएक्टेंट्स, द नंबर ऑफ एटम्स विच आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस, दैट मच एटम्स विल बी इन द प्रोडक्ट्स। सो नंबर ऑफ एटम्स जो भी रहेंगे मेरे रिएक्टेंट्स के, उतने ही एटम्स मुझे प्रोडक्ट्स में मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। तो ये कुछ चीज़ें जो केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको सिखाई गई है, बताई गई है।
एंड यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, इसका ही एग्जाम्पल लेना चाहिए, ऐसी कोई कंपलसरी बात नहीं, यू विल टेक सो मेनी एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ दिस कैल्शियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट एंड द कैल्शियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, मैं नाम बता रहा हूँ और नाम लिख के नहीं आपको लिख देने, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, ये कैल्शियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये नाम भी आपको बता होनी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द वेट ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी सेम एज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट्स, बोथ विल बी सेम, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स हाउ मेनी reactants chemically combined and what was the weight of the reactants which initially taken for the reaction, we will observe the same reactants in the product form but the products will be different and the weight will be same. So, this law of chemical combination, second law mere paas hai jiska naam hai the law of conservation of matter, ye bhi bahut IMP law hai aur ye bahut easy law of conservation of matter, second law hai mere paas, law of conservation of matter. Okay, conservation of matter. So law of conservation of matter में हम लोग जान लेंगे, तो ये law बहुत ही easy, आपको मैं बता दूँ why this is very easy. ये law it is related to this. Okay, law of conservation of matter, in this law only one statement is given, the weight of the reactants is equal to the weight of the product इन एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब मैं रिएक्टेंट का अगर वेट 300.20 ग्राम लेता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट का वेट भी सेम मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर मीन्स द रिएक्टेंट्स वेट इज कंजर्व इन योर प्रोडक्ट्स वेट। सो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड वेट बोथ आर कंजर्व, ओके, सेम इन द रिएक्टेंट्स सेम इन प्रोडक्ट बट द कंपाउंड्स आर डिफरेंट, द कंपाउंड्स आर डिफरेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या बोलता है, द वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर सेम इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, द वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर सेम इन अ केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, और उसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बोलते हैं। आप चाहे तो ये दो एग्जाम्पल लो, आपको अगर कोई और एग्जाम्पल्स लेने हैं तो वो ले लो सेम। सो आई एम जस्ट रिप्लेसिंग दिस एग्जाम्पल इन दिस केस, इसी को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, और इसका स्टेटमेंट मैं बनाना चाहूँ तो मैं आपको स्टेटमेंट लिख के देता हूँ, सो कन्फ्यूजन आपका स्टेटमेंट बोलता हूँ, द वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, एंड द प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स आर सेम, आर सेम इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पे आपको ऑब्लिक करके लिखता हूँ, द वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रिमेन सेम, आर रिमेन सेम, ऐसे भी लिखो आप चाहे तो, रिमेन्स सेम, ये भी वर्ड सही है, रिमेन सेम इन अ केमिकल रिएक्शन। आपको दोनों में से जो ज़्यादा सुटेबल लगता है, दिस इज कॉल्ड law of conservation of matter, the law of conservation of matter, law of conservation or conservation of matter, okay, what is the correct pronunciation, you just choose it. So isko bolte law of conservation of matter. So this is the second law which is given in your book, and mere paas third law jiska naam hai the constant proportion law, okay, the law of constant proportion, ye third law mere paas hai jiske bare mein hum log jaan lenge। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, हम लोग बोलेंगे प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, दिस इज आर एक्चुअली नॉट एस, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। अभी इसके बारे में आपको कुछ मैं चीज़ें बताता हूँ, द वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स is fixed in any compound, or the weight of the constituent elements in different compounds is fixed, the weight of the constituent elements in the different compounds is fixed। ये मुझे इसमें सीखने के, इसका स्टेटमेंट में लिया लिखता हूँ, या the weight of the constituent elements, constituent elements, elements in different compounds, in different compounds, compounds, different compounds is fixed, is fixed। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ
कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको कुछ बताऊँगा। मेरे पास अगर वाटर मोलिक्यूल है, मान लो H2O, दिस इज H2, इसको बोलते हैं वाटर मोलिक्यूल। इसका एटॉमिक मास मेरे पास है, मोलिकुलर मास बोलेंगे, ताकि ये मोलिक्यूल है। सो इसका जो है 2 है, 2 × 1, इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 1 × 16, चलो मुझे 2 + 16 मिला। मैं यहाँ पे इसका एटॉमिक मोलिकुलर मास निकाला, 18, ओके 18 मिल जाता है मुझे। नाउ सी दैट, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ तो ए ठीक है, तो मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देता हूँ। बेटर वे आई एम राइटिंग इन रेशियो, कि इसको रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ। सो ये मुझे मिलेगा 1 × 8, मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे मिल जाता है 1 × 8। अभी मुझे इससे पढ़ना है द कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन कैसे पढ़ेंगे। देखो, अगर मैं देखो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फॉर्म्स 9 ग्राम ऑफ H2, पानी बनाता है, 9 ग्राम का पानी बनाता है। Therefore, the ratio of hydrogen to oxygen is 1 to 8। तो रेशियो जो मेरा था हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, इट इज 1 to 8, एंड दिस रेशियो इज प्रेजेंट इन विच कंपाउंड, दिस इज प्रेजेंट इन द H2O कंपाउंड। अगर मैं इंस्टेड ऑफ H2 मैं और कंपाउंड्स लिखता हूँ पानी की, जैसे कि H2SO4 है, इसको बोलते सल्फ्यूरिक एसिड, मैं नाम भी लिख देता हूँ, तो इसके अंदर भी मैं अगर इसको डिटरमाइन करने जाऊँ, किसको डिटरमाइन करने जाऊँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिलेशन को, तो मुझे इसका रेशियो 1 to 8 ही मिलेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। इफ आई टेक एनी एग्जाम्पल, मैं और कुछ कंपाउंड्स बता दूँ आपको, H2 देन CO3, इसके अंदर भी मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो मुझे मिलेगा 1 to 8। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। सो द वाटर विल बी देयर, और वेन ऑर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, देन द रेशियो ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 1 to 8, मीन्स इन दैट कंपाउंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, और इसी को हम लोग बोलते हैं द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। इसे हमें पढ़ना है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। सो वेन एवर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वाटर मोलिक्यूल, द हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो रिमेन्स सेम, द 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ कंपाउंड, इसे बोलते हैं द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। अगर मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे दूँ, मैंने अगर CO2 लिया है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कार्बन का 12 है और ये 2 है इसलिए 32 है, इनको मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा, 4 से डिवाइड करता हूँ 3 to 8, तो अगर मैं इसको ले लूँ, दिस इज 1, सो 3 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 11 ग्राम ऑफ CO2। सो द रेशियो ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू, मेरे पास आएगा 3 to 8, ये मुझे मिल जाएगा 3 to 8। अगर मैं अभी इंस्टेड ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं इसको बोलता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का, ये मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है, इसको इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कोई भी कंपाउंड ले लो, चाहे तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, ओके और कोई ले लो, चाहे तो कोई भी कंपाउंड ले लो जिसके अंदर कार्बन, अभी ये भी ले लो आप H2CO3, तो यहाँ पे जा कार्बन एंड ऑक्सीजन है, उनका जो रेशियो है प्रोपोर्शन का वो रहेगा 3 to 8। द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन विल बी 3 to 8 इन एनी कंपाउंड। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्ट इलस्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी एम्बी कॉन्सेप्ट, सो यू शुड अंडरस्टैंड वॉट इज एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। सो वेन एवर देर आर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, द रेशियो ऑफ देयर वेट्स विथ वन अनदर इन एनी कंपाउंड इज फिक्स, किसी भी कंपाउंड में रहने दो, उनका रेशियो ऑफ द वेट है वो फिक्स रहता है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो यू हैव टू लर्न दिस थिंग। आपको और एक एग्जाम्पल दिया, आपके पास कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का, उसमें आपको कॉपर ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इनके बीच का जो रिलेशंस दिया है,
it is the verification of, just to verify the law of constant proportion, law of constant proportion. तो उसको एक बार देख लो आप, आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो डू द कमेंट्स, आपको कमेंट्स करने में उसको आपको इलस्ट्रेट करके बताऊंगा. बट दिस इज़ द रियलिटी, ओके, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. इसका मीनिंग इस तरह से है कि कोई भी कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स किसी भी कंपाउंड में रहने, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में सेम कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स रहेंगे तो उनका जो वेट का रेशो है व्हेन दे रिएक्ट्स इन एनी कंपाउंड विल बी द फिक्स, वो फिक्स रहेगा. इट विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कंपाउंड, इट विल बी फिक्स. कार्बन और ऑक्सीजन रहेंगे तो 3 to 8 रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा तो 1 to 8 रहेगा. इन दिस वे डिफरेंट कंपाउंड्स और डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट रेशियोज व्हेन दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कंपाउंड्स. अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग रेशियो से रिएक्ट होकर कंपाउंड बनाते, बट उनका जो रिएक्ट होने का रेशियो फिक्स रहेगा. ये मुझे इससे सीखना है, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. ओके, तो ये 3 लॉज आपकी बुक के अंदर फर्स्ट दिए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जिसके बारे में मैंने बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर मैंने बताया आपको, द वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट और रिमेन्स सेम इन अ केमिकल रिएक्शन. ओके, सो दिस 300.20 ग्राम एंड दिस 300.20 ग्राम इज सेम एंड दिस इज एप्लीकेबल टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. तो रिएक्टेंट का वेट और प्रोडक्ट्स का वेट कभी नहीं बदलेगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बताता है. यहाँ पे द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में मुझे सीखने को मिलता है, सो वट एवर द एलिमेंट्स और वट एवर द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, दे ऑलवेज हैव द फिक्स प्रोपोर्शन, दे ऑलवेज हैव द फिक्स रेशियो. ये मुझे इसमें सीखने को मिलता है. सो यू हैव टू थॉरली रीड ऑल दिस थिंग्स. आपको ये सारी की सारी चीज़ें करनी है. मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बिकॉज दिस थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल टू योर फर्दर स्टडी. आपके आगे के स्टडी में इनका बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा. एंड एज सुन एज आई एम जस्ट गोइंग टू कम्प्लीट द 11th मीन्स 9th एंड 10th सिलेबस, देन आई विल स्टार्ट टू अपलोड द वीडियोज फॉर 11th साइंस एंड 12th साइंस साइमल्टेनियसली after this year. Okay, this year I am just maintaining this 9th and 10th, and then next year I am trying to upload 11, 12 science videos for the all subject, maximum subject as per the time availability. तो आप इसको करो, आगे का देखते हैं, atom size, mass and valency. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटम साइज मास एंड वैलेंसी. आपको बता दूं, एटम्स आर वेरी वेरी टाइनी, एटम्स आर वेरी वेरी टाइनी मीन्स देयर साइज इज वेरी वेरी स्मॉल. सो वेन एवर वी आर गोइंग टू कंसिडर एन एटम, सो हाउ कैन वी मेजर द साइज ऑफ एन एटम, दिस इज द क्वेश्चन मार्क. बट नाउ डेज देर आर सो मेनी टेक्निक्स आर अवेलेबल बाय विच वी कैन डिटरमाइन और बाय विच वी कैन मैग्नीफाइड the size of atom. But in the earlier time there was no instruments available to just measure the size of an atom. Nowadays microscope, electronic microscope aur usse bhi badhiya aur kuch microscope hai jinka naam main aapko bata deta hu. So that electron microscope, okay, then the field ion microscope, okay, field ion microscope scanning karke atom ka size illuminate kar deta hai. But whenever there was a question arise how to measure an atom, so in earlier time, okay, it was very tough. But nowadays we can measure the size of an atom. So nowadays we can measure the size of an atom with the help of electron microscope or field ion microscope for scanning the surface of very very tiny atom. Okay, but so the question, so size, okay, how can we measure the size of an atom? So it is related to atomic radius. Okay, atom ki jo radius rehti hai usse related rehti hai, and the atomic radius of an atom is measured in nanometers. Okay, atomic radius jo aapki nanometers mein measure ki jati hai, so atomic radius is most time be part to measure the size of an atom. Atomic radius mein naam likhta hu, atomic radius. Okay, atomic radius, and it is measured in nanometers. किस में मेजर की जाती है? Nanometers में. So 1 nanometer is equal to 10^-9 meters. ये उसका स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है. 1 nanometer is 10^-9 meters. So now we are going to learn about the atomic size of some molecules. So यहाँ पे मैं लिखता हूँ elements, okay, और molecules. यहाँ पे लिखता हूँ मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे लिखता हूँ एटॉमिक साइज.
साइज, जिसको मैं बोलूँगा इन नैनोमीटर्स, नो इन मीटर्स, इट इज़ इन मीटर्स, सॉरी इट इज़ नॉट इन नैनोमीटर्स, मीटर्स, जो मीटर्स में मुझे दिया है। सो मॉलिक्यूल्स मेरे पास है फर्स्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सो इसका नाम लिखता हूँ हाइड्रोजन। दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास है वाटर मॉलिक्यूल, वाटर। एंड थर्ड मॉलिक्यूल मेरे पास है हीमोग्लोबिन। सो दीज एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर बुक, आई हैव जस्ट टेकन फ्रॉम बुक ओनली, मैंने बुक से ही ले लिया, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो दीज आर द थ्री मॉलिक्यूल्स एंड दे हैव डिफरेंट एटॉमिक साइज। तो फर्स्ट का जो एटॉमिक साइज है 10^-10, 10^-9 एंड 10^-8। तो जितना माइनस बड़ा साइन रहेगा उतनी छोटी साइज रहेगी। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल साइज इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। एंड द हीमोग्लोबिन, यू नो दैट इन आवर ब्लड हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, इन आवर ब्लड हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड एंड इट इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ आयन, आयन मतलब एफ ही रहता है, दैट्स वाई द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड। तो इसके लिए उसका इट इज़ वेरी वेरी प्योर वेन एवर इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड, बहुत ही प्योर फॉर्म में रहता है आयन। बट दिज आर द साइज, ओके, इन मीटर्स 10^-10, 10^-9, 10^-8। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन, वाटर एंड हीमोग्लोबिन, दे हैव द डिफरेंट साइज, ओके, दे हैव डिफरेंट साइजेस एंड द स्मॉलेस्ट साइज, ओके, इट इज़ हाइड्रोजन। एक्चुअली द स्मॉलेस्ट साइज इज हेलियम, ओके, हेलियम जिस जो रहता है उसका साइज जो है हाइड्रोजन से छोटा रहता है, हम लोगों ने पढ़ा है एक्चुअली, ओके। एंड द एटोमिक रेडियस, ओके, इज मेजर टू मेजर द साइज ऑफ एनी मॉलिक्यूल और एनी एटम, ओके। सो मॉलिक्यूलर साइज इज ऑल्सो मेजर इन एटोमिक रेडियस एंड द एटोमिक साइज और साइज ऑफ एन एटम इज ऑल्सो मेजर इन द एटोमिक, मतलब उसके लिए एटोमिक रेडियस चाहिए बिकॉज इट इज इन द सर्कुलर शेप, ये सर्कुलर शेप रहता है, ओके। वॉट एवर द एटम्स आर देर, देर इज अ न्यूक्लियस इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड देर आर फिक्स ऑर्बिट्स, इन द फिक्स ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड दैट न्यूक्लियस, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को एक बात कन्फर्म है कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज नोन एज एटोमिक रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज नोन एज एटोमिक रेडियस एंड एटोमिक रेडियस हेल्प्स टू मेजर द साइज ऑफ एन एटम। ये सारी चीज़ें आपके बुक में भी दी है, आपको इसके लिए थोड़ा बहुत बुक में देखना पड़ेगा ताकि आपको पता चले व्हाट इज मीन ऑफ एटोमिक रेडियस एंड व्हाट इज द एटोमिक रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज एटोमिक रेडियस ऑफ एन एटम एंड द एटोमिक रेडियस इज मेजर इन नैनोमीटर्स एंड दिस एटोमिक रेडियस हेल्प्स टू मेजर द साइज ऑफ एन एटम और साइज ऑफ एन मॉलिक्यूल। एक्चुअली हाइड्रोजन इज एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल फॉर्म, सो द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 10^-10। वाटर इज ऑलरेडी अ मॉलिक्यूल, सो इट इज 10^-9 एंड हीमोग्लोबिन इट इज 10^-8। सो दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन योर बुक। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेरे पास मास, सो मास ऑफ एन आइटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। मैं बता दूँ मास ऑफ एन आइटम, तो मास जो रहता है, मास ऑफ एन आइटम, मास ऑफ एन आइटम ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट इज concentrated in its nucleus, in its nucleus. So in nucleus, so mass of an atom is equal to the sum of number of protons and number of electrons. So mass of an atom of an element is equal to the sum of number of protons and number of neutrons or protons, number of neutrons, in case sum ki itna mass rehta hai. Number of protons are written by P and number of neutrons N. So, third आएगा मेरे पास atomic mass of an element. Okay, mass of an element मैं लिख देता हूँ is measured by P plus N. इससे निकालते हैं, किससे निकालते हैं, P plus N. तो चलो मैं example के तौर पे बोलता हूँ सोडियम, ओके, मैं लिखता हूँ यहाँ पे Na. इसका atomic number 11, इसका mass 23 है. तो 11 जो है प्रोटॉन का नंबर रहता है, दिस आर द प्रोटॉन्स, सो न्यूट्रॉन्स कितने, देयरफॉर
मास ऑफ Na इज इक्वल टू P रहेगा आपका 11 एंड 12 न्यूट्रॉन्स है. सो दिस इज P, दिस इज N एंड दिस इज 23 ग्राम में हम लोग मेजर करते हैं ग्राम. ओके, इसके यूनिट्स के बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन हियर. यहाँ पे एक ही एलिमेंट है जिसका मास 1 है, इट इज हाइड्रोजन एंड दिस इज अ लाइटेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. लाइटेस्ट सबसे कम वेट वाला एलिमेंट है जिसका नाम है हाइड्रोजन एंड इट्स मास इज 1. ओके, तो ये कुछ चीज़ें जो हम लोग को यहाँ पे जब मास ऑफ एनी एलिमेंट वी हैव टू मेजर, वी हैव टू जस्ट कंसिडर दिज ऑल थिंग्स. अभी आपका जो वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है. सो फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट द वैलेंसी कॉन्सेप्ट एंड देन वील मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि जैसे रेफरेंस एटम यूज़ किया जाता था टू मेजर द मास ऑफ एनी एलिमेंट, और उन रेफरेंस एटम्स के बारे में बात करेंगे. लेकिन उसके बाद में हम लोग द मास ऑफ एन एटम एंड द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, ओके इट इज़ मेजर इन विच यूनिट, और उसके बाद में मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है तो उसको बोलते हैं डाल्टन. 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.6053904 × 10⁻²⁷ kg. ये हम लोग डिस्कस करेंगे जो वन एटम का मास रहता है 1 डाल्टन. फॉर डिफरेंट एलिमेंट इट इज़ गिवन कॉन्स्टेंट. एंड उसके बाद में एवोगाड्रोज नंबर विच इज़ हेल्पफुल टू मेजर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एनी आइटम, एनी मॉलिक्यूल ऑफ एनी एलिमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड स्टेप वाइज विल कम्प्लीट दिस लेसन. एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस लेसन विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे एंड देन फाइनली विल वाइंड अप द सेशन. वैलेंसी जो कॉन्सेप्ट है आपके बुक के कंटेंट में लास्ट में दिया, तो उसको लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे. मैं मास ऑफ सम एलिमेंट्स आपको एग्जांपल के तौर पे लिख के बताता हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास रहेगा एलिमेंट, फर्स्ट कैटेगरी इज एलिमेंट. सो आफ्टर एलिमेंट देर इज सिंबल आएगा, उसका सिंबल आएगा एंड लास्ट यहाँ पे आएगा एटोमिक मास. क्या आएगा? एटोमिक मास, जो मास दिया, आई थिंक इट इज एटोमिक मास, आई थिंक ओके एटोमिक मास ही. ओके, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखता हूँ मैं जो मुझे पता है. ओके, हाइड्रोजन फर्स्ट है, बाद में हेलियम है, उसके बाद में लिथियम है, देन बेरिलियम है. ओके, पूरे नाम लिखने पड़ेंगे हेलियम. सो इनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इनकी साइड, मतलब थोड़ी सी इधर थोड़ा सा इनको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ ताकि बाद में जगह हो जाए. तो मेरे पास हाइड्रोजन है फर्स्ट, एटॉमिक नंबर उसका 1 है, मैं एटॉमिक नंबर भी लिखता हूँ. दूसरा मेरे पास है हेलियम, एटॉमिक नंबर 2 है. देन मेरे पास है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम. ओके, सो लिथियम इज थर्ड. ओके, आप थोड़ा सा मतलब ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ी सी आवाज़ आपको डिस्टर्ब करेंगे. 4 मेरे पास है बेरिलियम. ओके, बेरिलियम. 5th मेरे पास है बोरॉन. 6th मेरे पास है कार्बन. देन मेरे पास 7th है नाइट्रोजन. ओके, उसके बाद 8 मेरे पास है ऑक्सीजन. 9 मेरे पास है फ्लोरीन. ओके, फ्लोरीन तो यहाँ तक लिखता हूँ मैं, बाकी के साइड में लिख देता हूँ. 10 मेरे पास है फ्लोरीन के बाद नियॉन. देन 11 मेरे पास है सोडियम. देन 12 मेरे पास है मैग्नीशियम. ओके, इनके नाम से ये नंबर्स, दिस नंबर्स आर एटॉमिक नंबर. 13 मेरे पास है मैग्नीशियम, के बाद आता है एल्यूमिनियम. ओके, उसके बाद 14 मेरे पास है सिलिकॉन पे बाद आएगा आपका 15 आएगा फॉस्फरस. 16 आएगा मेरे पास सल्फर. 17 आएगा क्लोरीन. 18 आएगा अर्गॉन. ओके, अर्गॉन दीज आर दी नोबल गैसेस. 19 आएगा पोटेशियम, और मेरा 20 जो है कैल्शियम. तो चलो मैं आपको क्या करता हूँ, इन सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास एक बार मैं रिवाइज करके देता हूँ. ओके, तो ये मेरे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, दिस आर दी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. दीज एलिमेंट्स द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स यू हैव टू रिमेंबर. यू हैव टू जस्ट कीप द एटॉमिक मासेस इन योर ब्रेन बिकॉज दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन योर फर्दर स्टडी. आपके आगे के स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी. तो चलो सिम्बॉल्स, इसका H है, इसका एटॉमिक मास 1 है बिकॉज दिस इज फर्स्ट एलिमेंट.
हेलियम का सिंबल एच, ये इसका एटोमिक मास, ये एटोमिक नंबर है, दिस इज एटोमिक नंबर, ओके एटोमिक नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, ये सारे के सारे एटोमिक नंबर है। बाद में लिथियम है, इस सिंबल इज एल आई, इट्स एटोमिक नंबर इज 3, 7, ओके। बेरिलियम है मेरे पास, इसका बी ई है, इट्स आई थिंक इट्स 9, ओके। बोरॉन मेरे पास है, ओके बोरॉन बी है, इसका 11, इसका 9 है, मैं एक बार कंफर्म करूंगा आपको, रिटर्न बताऊंगा अगर कोई चेंजेस रहेंगे। कार्बन मेरे पास है, इट्स सी एंड इट्स 12। देन नाइट्रोजन मेरे पास है, इट्स एन एंड इट इज 14। देन ऑक्सीजन मेरे पास है, ओ इट इज 8 एंड इट इज 16। फ्लोरीन मेरे पास यहाँ पे इट इज एफ, ओके एंड इट इज आई थिंक इट इज 19। देन नियॉन मेरे पास है, नियॉन आई थिंक नियॉन, ओके नियॉन का सिंबल एन ही है, इसका आई थिंक इट इज 20। देन सोडियम इट इज एन ए, इट इज 23। देन मैग्नीशियम इट इज एम जी, इट इज 24। देन एल्यूमिनियम इट इज ए एल, इट इज 27। सिलिकॉन इट इज एस आई एंड आई थिंक इट इज 29। देन मेरे पास है फॉस्फरस, इट इज पी एंड इट इज 31। सल्फर मेरे पास है एस एंड इट इज 32। देन क्लोरीन इट इज सी एल, इट इज 35.5 इसका, ओके ये थोड़ा आपको याद रखेगा। अर्गॉन मेरे पास है अर्गॉन, ओके अर्गॉन आई थिंक ए आर एंड इट इज 40 अप्रॉक्सीमेटली। पोटेशियम के इट इज 39 अप्रॉक्सीमेटली एंड कैल्शियम सी ए इट इज 40 अप्रॉक्सीमेटली। ये आप तीनों देख लो, आपको एक जैसे ही लगेंगे, ओके। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके मैंने नाम लिखे, सिंबल्स लिखे, उनके एटॉमिक मासेस लिखे। ये आपको मैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस एंड सिंबल्स दिए। इज इट करेक्ट और नॉट, यू हैव टू रीचेक, आपको रीचेक करना पड़ेगा। मैं आपको फिर भी एक बार कंफर्म करके बता दूंगा कि सही है क्या नहीं है। बेरिलियम 9 है, ए 7 है, सही है। 11 बोरॉन का, आई थिंक बोरॉन इट इज गिवन, 11 है, सही है। ये सारे के सारे सही है। मतलब इस फ्लोरिन का मुझे थोड़ा सा डाउट है, फ्लोरिन ओके इट इज़ 19 करेक्ट, नियॉन 20 है, सही है। सिलिकॉन का मुझे थोड़ा डाउट था, तो ये बंदा 28 है, दिस इज 28, ओके इट इज़ 28। देन फॉस्फरस, ओके इसका मैंने खुद निकाला है, आई थिंक इट इज़ करेक्ट, 31 ही रहेगा। एस 32, ये बाकी सब सही है, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएंगे आपके। तो दीज आर दी सम एलिमेंट्स, मीन्स 20 एलिमेंट्स विद देयर नेम्स, विद देयर सिम्बॉल्स, विद देयर एटोमिक मासेस। और आपको भी ये याद रखने हैं ताकि आपको ना कभी भी किसी भी कंपाउंड के मोलिकुलर मास को फाइंड आउट करना है तो आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स के एटोमिक मासेस पता होने चाहिए, तभी जाके आप मोलिकुलर मास निकालोगे। चाहे तो मैं एग्जांपल दे दूँ आपको, सोडियम क्लोराइड का अगर मुझे मोलिकुलर मास निकालना है तो उसको मुझे क्लोरीन और सोडियम, इन दोनों के मीन्स क्लोरीन एंड सोडियम, इन दोनों के एटॉमिक्स नंबर लगेंगे, ओके। तो 23 प्लस 35.5 मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे 58.5 मिलेगा। बट आई शुड नो द इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट अप टू 20, एट लीस्ट अप टू 20। सो आई विल हेल्प, और आई विल गेट द हेल्प ऑफ दिस एटॉमिक मासेस टू फाइंड आउट द मोलिकुलर मास। तो इनसे मतलब मैं हेल्प लेके मोलिकुलर मासेस फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको भी करनी है, यू हैव टू जस्ट रिवाइज और यू हैव टू डू स्टडी ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर्स, विद देयर नेम्स एंड विद देयर सिंबल्स, ओके। तो ये मेरे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स थे जिनके मैंने आपको एटॉमिक नंबर्स भी बता दिए, 1 to 20, एंड देन उनके एटॉमिक नंबर के साथ एलिमेंट का नाम, देन सिंबल, देन एटॉमिक मासेस मैंने सीरियली बता दिए आपको, ताकि इनका आपको हेल्प मिले, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, मेरे पास जो भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, एंड देन विल मूव वन बाय वन स्टेप वाइज, हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। सो विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। When in earlier time there was no fixed standard to measure the mass of an atom of an element, at that time a reference, okay, reference or relative mass of an atom, this is used as a reference to measure the atomic masses of different elements by using relative mass of an atom. So first was used as a relative mass of an atom, so hydrogen atom first use the standard hydrogen atom, okay. So first hydrogen atom was or were used
एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड, एज ए रेफरेंस, हम लोग रेफरेंस स्टैंडर्ड बोलेंगे उसको, रेफरेंस स्टैंडर्ड ही बोलते हैं हम लोग, ताकि रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेजर रिलेटिव मास, मासेस ऑफ एन आइटम, ओके, टू मेजर रिलेटिव मासेस, ओके, मासेस, मासेस ऑफ डिफरेंट आइटम्स, ओके, डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट आइटम्स. In this case, the mass of an hydrogen atom, okay, mass of an hydrogen atom, mass of a hydrogen atom, atom is 1 and it is considered as a standard to measure the mass of different atoms. So, mass of the nitrogen is 14 as compared to the hydrogen, okay. But as the time passes, okay, the new standards were developed and in 1961, इन 1961, ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे इसमें. इन 1961 कार्बन आइटम वाज सिलेक्टेड एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टू मेजर रिलेटिव मासेस ऑफ आइटम्स, रिलेटिव मासेस of different atom, different atoms, atoms. Therefore, the mass of one hydrogen, mass of one hydrogen, hydrogen is equal to 12, this is mass of carbon into 1 upon 12 times the mass of carbon times, okay, so it will be 1, it will be 1. So 12 will get cancelled. 12 is the atomic mass of carbon. हम लोगों ने देखा 12 is the atomic mass of carbon. So इस explanation में आप थोड़ा सा मतलब add भी कर दो तो आपको अच्छा रहेगा. So this is light explanation. In earlier time, first the hydrogen was used as the hydrogen atom was used as the reference standard or reference atom to measure the relative masses of remaining all atoms or remaining all elements. And then in 1961 the carbon atom were selected or selected as the reference atom to measure the relative masses of different atoms, other atoms. So relative mass of one hydrogen is 12 into 1 upon 12. So 1 upon 12 times the mass of any atom, okay, 1 upon 12 times, this is a standard, okay. So 12 into 1 upon 12, so mass of one hydrogen is 1. In this way you have to calculate. So this is given in your book also, okay. So ye aapki book mein bhi diya, aap check kar sakte ho. मेरे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है सिंबल्स, सिंबल्स ऑफ बेर्जिलियस, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ही जस्ट मीन्स सजेस्ट द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. सो इन द सिंबल्स कैटेगरी में अगर डिस्कस करने जाता हूँ आपको सिंबल्स, ये टॉपिक मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ ताकि आपको फिर आगे जाके थोड़ा सा ईजी बन जाए लेसन. सिंबल्स नाउ इन दिस केस, ओके, वन थिंग इज लेफ्ट, इसमें से एक चीज़ बाकी है उसको हम लोग पहले कवर कर देते. So unified mass, okay, later unified mass, okay, this concept was accept, unified mass, ये मैंने अभी मतलब आया ध्यान में, तो इसको unified mass, okay, unified mass है ना, इसको बोलते unit of atomic mass of an atom, okay, इसको बोलते unit of atomic mass, इसको बोलते unit of atomic mass, इसको बोलते unit of atomic mass of an atom, ऑफ एन आइटम बोलेंगे, ओके, ऑफ एन आइटम, ऑफ एन एलिमेंट, ओके, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन आइटम, ऑफ एन एलिमेंट, ओके. तो ये एटॉमिक मास का यूनिट, इट इज़ गिवन बाय डाल्टन, ओके, इट इज़ गिवन बाय, सो इट इज़ इक्वल टू डाल्टन, इट्स नेम मतलब इसको नाम दिया डाल्टन, एंड इट्स सिम्बॉल इज यू, एंड इट्स वैल्यू इज 1.6053904 × 10⁻²⁻²⁰ kg, ये उसका वैल्यू है, okay. So this system was later this system was accepted to measure the atomic mass of an atom, and it is known as unified mass system. And in this system, unified mass system is the unit of atomic mass of an atom, and it is equal to Dalton, its name, usko hi naam diya Dalton, okay, Dalton is used, it is the in the honor of scientist Dalton, okay, it is named by the Dalton scientist. इसको यू कैपिटल नहीं स्मॉल यू से इंडिकेट किया जाता है, वन डॉल्टन इज स्मॉल यू, एंड इट्स वैल्यू इज 1.6605394 × 10⁻²⁷ kg. सो ये कंसेप्ट लेटर ऑन दिस वाज एक्सेप्टेड, ओके. तो ये यूनिफॉर्म
ये रहा मेरा यूनिफाइड मास। मेरे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है सिंबल्स, सिंबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। सिंबल्स जो कंसेप्ट है मेरा यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सिंबल्स। तो सिंबल्स बेर्जिलियस साइंटिस्ट बोलता है, बेर्जिलियस उसका नाम आपकी बुक में दिया है बेर्जिलियस। ओके सो बेर्जिलियस बोलता है कि फर्स्ट लेटर जो रहेगा जैसे सोडियम है मेरे पास, सो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, सेकेंड शुड बी स्मॉल। तो यहाँ मैक्सिमम टू लेटर्स रहते हैं किसी भी सिंबल में। तो इसमें मेरा रूल बोलता है अगर मेरे पास क्लोरीन रहेगा तो फर्स्ट लेटर रहेगा वो सी कैपिटल एंड सेकेंड स्मॉल। सो व्हेनेवर इफ देर आर टू लेटर्स इन एनी सिंबल देन फर्स्ट लेटर इज कैपिटल सेकेंड इज स्मॉल। इतना ही मुझे याद रखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए मैंने, मतलब सोडियम एंड दिस पोटेशियम, ना सोडियम एंड दिस। अगर पोटेशियम रहेगा, चलो पोटेशियम का तो एक ही लेटर है तो उसका के, तो इट इज़ कैपिटल। वन लेटर रहेगा तो कैपिटल रहेगा। मेरे पास गोल्ड है उसको आरम बोलते हैं हम लोग, आरम। ओके तो उसका लेटर है ए यू, गोल्ड का ए। सिल्वर को अर्जेंटाइन बोलते हैं हम लोग, अर्जेंटाइन। ओके तो उसका ए जी आता है। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकेंड स्मॉल है। अगर मेरे पास एक ही रहेगा ऑक्सीजन, ओके ऑक्सीजन का मोलिक्यूल ही रहता लेकिन ओ रहेगा, उसका ओ ही एक ही। ओके नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन सो इट इज एन। ओके एन हाइड्रोजन रहेगा मेरे पास तो इट इज ओनली एच। सो लेटर्स के बारे में हम लोग बोलते हैं दिस कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट्स आर यूज टू राइट अ सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट। सो फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल, सेकेंड शुड बी स्मॉल वेन एवर देर आर टू अल्फाबेट्स आर देर इन एनी एलिमेंट सिंबल। किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल में टू अल्फाबेट्स रहेंगे तो ये पहला जो है कैपिटल रहेगा, सेकेंड स्मॉल रहेगा, ये मुझे याद रखना है। तो यही एक कंसेप्ट था वो आपके बुक में दिए, मैंने आपको बता दिया। सो दीज आर दी सम पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस। अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं मोलिकुल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड देन वील मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ओके मोलिक्यूल्स, तो ये टॉपिक मेरा मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके एलिमेंट्स के भी मोलिक्यूल्स रहते हैं एंड कंपाउंड्स। ओके एंड कंपाउंड्स के भी मोलिक्यूल्स रहते हैं बट बोथ आर डिफरेंट, तो इनको डिस्कस करेंगे हम लोग। सो मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इसमें आपको बता दूँ मैं, मेरे पास है कि मोनो एटोमिक, मोनो एटोमिक ओके एलिमेंट्स, तो इनके मोलिक्यूल्स नहीं नाम मैं यूज़ करूँगा, तो मोनो एटोमिक एलिमेंट्स है। तो मोनो एटोमिक एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं आप, मोलिक्यूल्स ऑफ मोनो एटोमिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ तो चलेगा मोलिक्यूल्स ऑफ मोनो एटोमिक एलिमेंट्स। तो मेरे पास कुछ है हेलियम, दिस आर दी नोबल गैसेस हेलियम, उसके बाद में नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन ज़ेनॉन, देन रेडॉन। ओके रेडॉन राइट, सो ये नाम्स है हेलियम, उसके बाद में नियॉन, उसके बाद में आर्गन, उसके बाद में क्रिप्टॉन, ये सब नोबेल गैसेस है आपके क्रिप्टॉन, उसके बाद में ज़ेनॉन एंड फाइनली रेडॉन। ओके सो दीज आर दी नोबेल गैसेस, इनको क्या बोलते हैं नोबेल और इनर्ट गैसेस बोलते हैं, इनर्ट गैसेस, दे आर इन द गैसियस फॉर्म। ओके एंड दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन एटोमिक्स, एटम मीन्स सिंगल, दे आर सिंगुलर, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ मोलिकुल्स, सो उनको डाई एटोमिक बोला जाता है, डाई एटोमिक एलिमेंट्स है, दिस आर द डाई एटोमिक एलिमेंट्स। हम लोग मोलिकुल्स वर्ड यूज़ करें इसलिए मोलिकुल्स ऑफ डाई एटोमिक एलिमेंट्स भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी मेरे पास है ये नहीं सॉरी मोनो एटोमिक, दिस आर द मोनो एटोमिक एलिमेंट्स, मोनो मीन्स सिंगल, दे सिंगुलर। ओके उनके साथ कोई और एलिमेंट नहीं, उनका एक अकेला ही एटोमिक स्टेबल है। ओके बिकॉज देर आउटर मोस्ट सेल इज कम्प्लीटेड, उनकी आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट रहती है इट इज़ कम्प्लीटली फिल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं मैक्सिमम जो किसी भी एलिमेंट को चाहिए ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए। सो देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कम्प्लीटली फिल, सो दे आर स्टेबल विद देयर मोनो एटोमिक स्टेट। ओके मोनो एटोमिक स्टेट है उनके। सेकेंड जो मेरे पास कैटेगरी आते हैं डाई एटोमिक, ओके डाई एटोमिक मोलिकुल्स, डाई एटोमिक, ओके डाई एटोमिक, ओके डाई एटोमिक मोलिकुल्स में मैं बता दूँ आपको, डाई एटोमिक मोलिकुल्स जो है एलिमेंट्स, मोलिकुल्स ऑफ डायटोमिक एलिमेंट्स, मोलिक्यूल्स ऑफ डायटोमिक एलिमेंट्स। तो इसमें मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, जितने भी गैस है ऑक्सीजन गैस है, ओके बाद में फ्लोरीन गैस है। ओके सो ये जो एलिमेंट्स है आपके, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, दे आर ऑलवेज कंबाइन विथ देयर सेल्फ, और द एटम कंबाइन विथ इट सेल्फ, और उसके एटम के साथ कंबाइन हो जाता है
एंड देयर एग्जिस्ट इन द मोलिक्यूल फॉर्म्स, डायटोमिक मोलिक्यूल फॉर्म्स. ओके, तो इसको बोलते हैं डायटोमिक मोलिक्यूल फॉर्म्स. ओके, सो एक मेरे पास मोनोएटोमिक एलिमेंट्स है, मोलिक्यूल्स ऑफ मोनोएटोमिक, देन डायटोमिक एलिमेंट्स है. तो ये मतलब गैसियस फॉर्म है, मीन्स दे आर गैसेस, वो गैसेस में. ओके, बट दे आर अनस्टेबल व्हेन दे आर इन द एटॉमिक फॉर्म. दे जब वो एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, इसलिए उनके साथ उनके खुद के एटम रिएक्ट होते हैं और उनका मॉलिक्यूल बना देते हैं, बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल, उनके मॉलिक्यूल स्टेबल. तो ये रहे मेरे सेकेंड कैटेगरी के मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ, एंड दिस इज डायटॉमिक. और मेरा थर्ड जो है कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मतलब H2O इज कंपाउंड. ओके, H2O मॉलिक्यूल है कंपाउंड का. ओके, मेरे पास NaCl इज कंपाउंड, तो ये मॉलिक्यूल बन जाते हैं उनके, क्या बन जाते हैं, देन Na2SO4 सोडियम सल्फेट इज कंपाउंड. तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो कंपाउंड फॉर्म में आपके, समझ में आया आपको. सो दीज आर दी एग्जांपल्स, कंपाउंड्स. ओके, कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के एग्जांपल आपको इस तरह से लिखने. सो दीज आर दी थ्री कैटेगरीज, मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स, डायटॉमिक एलिमेंट्स एंड दी कंपाउंड्स. ओके, ये आपको इसमें स्टडी करना है, यही टॉपिक इसके अंदर दिया है. मेरे पास सेकेंड जो कंसेप्ट है मोलिकुलर मास एंड द कंसेप्ट ऑफ मोल, उसको हम लोग यहाँ पे इलुस्ट्रेट करेंगे. मोलिकुलर मास, मुझे बोलो मोलिकुलर मास. तो मोलिकुलर मास किस तरह फाइंड करना है मैं आपको अभी सिखाऊंगा, मोलिकुलर मास एंड द कंसेप्ट ऑफ मोल, द कंसेप्ट ऑफ मोल, कंसेप्ट ऑफ मोल. ओके, ये मुझे कंसेप्ट सीखना है मोल. इट इज़ यूनिट टू मेजर द मोलिकुलर मास. ओके, अभी मैं बता दूँ, एटॉमिक मास एंड द मोलिकुलर मास बोथ आर मेजर इन डाल्टन, डाल्टन यू जो आपने देखा था उसमें ही मेजर करते. यहाँ पे आपको एक और स्टैंडर्ड मिलेगा जिसका नाम है एवोगाड्रो स्टैंडर्ड, जो आपको लेट एवोगाड्रो नंबर मैं बाद में बताता हूँ. सो मोलिकुलर मास, अगर मुझे H2O का मोलिकुलर मास निकालना है, H2O इज वाटर मोलिकुलर, इसका मोलिकुलर मास निकालना है, तो मेरे पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक मास 1 है. मुझे एटॉमिक मास पता होना चाहिए, या मेरे पास एक ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक मास 16 है, तो ये 2+16 और ये बनेगा 18 ग्राम बनेगा. तो 18 यू लिखते हैं हम लोग इसको, मोलिकुलर मास, यू इज द डाल्टन. ओके, 18 डाल्टन. सो दिस इज मोलिकुलर मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ द वाटर. तो आपको अगर मोलिकुलर मास निकालना है किसी भी एलिमेंट का, तो उसके लिए आपको उसका एटॉमिक मास पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो मैंने पहले आपको बताया. ओके, मैं NaCl का निकालना चाहता हूँ, NaCl. सो आई विल राइट द मोलिकुलर एटॉमिक मास ऑफ Na, देन एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. ओके, 35.5, तो ये मेरा बनेगा 58.5 U. ओके, दिस इज द मोलिकुलर मास ऑफ NaCl. तो व्हेनेवर आपको किसी भी वक्त जब मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है किसी भी कंपाउंड का, तो उसके लिए आपके पास चाहिए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट का एटॉमिक मास चाहिए. उसके हेल्प से आप किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं और इलस्ट्रेट करूँगा आपको. मुझे सपोज Na2SO4 का जरा अगर करना है, इसका मोलिकुलर मास निकालना है, तो मेरे पास दो सोडियम है और एक का एटॉमिक मास है 23, मेरे पास एक सल्फर है, एक का एटॉमिक मास 32, मेरे पास 4 ऑक्सीजन है और एक का एटॉमिक मास है 16. तो ये कंसेप्ट मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. सो आपको टेबल बना के दिया बुक में, उसको फॉलो करो, नो प्रॉब्लम. ओके, यू राइट फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कंपाउंड नेम, देन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, देन एटॉमिक मास, देन नंबर ऑफ एटम्स, देन द मोलिकुलर मास. ओके, देन कंबाइन मोलिकुलर मास. ओके, आप इस तरह से करो चलेगा, नो प्रॉब्लम. आई एम जस्ट शोइंग इट वेरी सिंपली. तो ये 46, देन 32 एंड ये बनेगा 64. तो चलो ऐड करो 4, 2 एंड 6, तो ये बनेगा मेरा 12 2, कैरी 1 किया तो ये 7 बना, 73 तो 142 यू आएगा. सो मोलिकुलर मास ऑफ वन एटम ऑफ वन मोलिकुल ऑफ सोडियम सल्फेट इज 142 यू, मीन्स डाल्टन. ओके, तो इस तरह से मोलिकुलर मास फाइंड आउट किया जाता है, जिसमें आपको एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने के लिए. तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. ओके, सो यू जस्ट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. तो ये था मोलिकुलर मास का द कंसेप्ट ऑफ मोल. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बाद में एवोगाड्रोज नंबर डिस्कस करेंगे, विच इज़ हेल्पफुल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स और मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, उसको रीड करेंगे. तो स्टेप वाइज आपको ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपके बुक में जिस तरह से दी. आपको अगर चार्ट बना के लिखना है तो भी लिख सकते हो, मैं आपको ईजिली बता दूँ. H2 मेरे पास है, तो कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स रहेंगे H, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन एटॉमिक मास. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, तो इसमें 2 रहेगा, इसमें एटॉमिक मास रहेगा, सो टोटल एटॉमिक मास आएगा
तो वो लिखो एंड कंबाइन करके आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा किसी भी एलिमेंट का. सो इन दैट फॉर्मेट आल्सो यू कैन फाइंड आउट. दिस इज द शॉर्टेस्ट वे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज. जस्ट आई हैव एक्सप्लेन दिस लाइक दिस. आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैंने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है. मगर आपको और अच्छी तरह से लिखना है तो बुक की मेथड फॉलो करो, नो प्रॉब्लम. ओके, सो दिस आर दिस सम एग्जाम्पल्स वी हैव डिस्कस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मोल. ओके, कंसेप्ट ऑफ मोल को हम लोग डिस्कस करेंगे. सो वी विल डिस्कस अबाउट ए कंसेप्ट ऑफ मोल. मोल क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे. मैं आपको बताऊंगा मोल जो कंसेप्ट है आपका उसका वैल्यू. सो वन मोल और ए मोल, आई थिंक वन मोल. ओके, इट इज़ वन मोल और ए मोल आई थिंक. ओके, वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस और वन मोल. देखो आपकी डेफिनेशन है वन मोल ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंस वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज the mass. One mole of substance is the mass in grams. Mass in grams equal in magnitude to its molecular mass. Okay, molecular mass. ये उसका definition है. इसको थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लो. वन मोल ऑफ सब्सटेंस और वन मोल ऑफ कंपाउंड इज द मास ऑफ इट्स ओके ऑफ इट्स और ऑफ इट इन ग्राम्स इज द मास ऑफ इट इन ग्राम्स. मास ऑफ इट इन ग्राम्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड इट्स मोलिकुलर मास. तो कोई भी सब्सटेंस है उसका मास ग्राम्स में जो रहता है and that mass is equal to molecular mass. Okay, so आपको अगर number of molecules निकालने, यहाँ पर formula बन जाता है number of molecules आपको अगर find out करने हैं तो यान it is mass of substance in grams. Okay, mass in grams upon molecular mass, ये formula बन जाएगा molecular mass. Okay, यहाँ पर substance नहीं लिखा मैं, number of molecules of any substance is mass इन ग्राम्स अपॉन मोलिकुलर मास. तो आपको ये मिल जाएगा, एन से दिखाते हैं नंबर ऑफ मोलिकुल्स. तो यहाँ पे मोलिकुलर मास निकालना है आपको, मास इन ग्राम्स निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये भी पॉसिबल है. सो दिस इज द फॉर्मूला मोलिकुलर नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ एनी सब्सटेंस. नाउ द नंबर ऑफ मोलिकुल्स इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉन्स्टेंट. ओके, मेरे पास नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ एनी सब्सटेंस in one mole are constant. Number of molecules of any substance in one mole are constant, and this constant is known as Avogadro's number. इसको बोला जाता है Avogadro's number. So इसका symbol है Na. And its value is 6.022 into 10^23. उसकी value जो है इतनी है. तो number of molecules of any substance in one mole of substance, one mole are constant. Avogadro's number Na is used for this constant. This constant is called as Avogadro's number. Okay, जो constant and its value is 6.022 into 10^23. So in one mole of any substance 6.022 into 10^23 molecules are present. Okay, तो इतने molecules रह सकते हैं और दिस ये molecules के numbers रहेंगे. Okay, in one mole of any substance 6.022 into 10^23 molecules are present. तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है. ओके, इसको आपको मोल के साथ ही जोड़ के करना है. ओके, एवोगाड्रोज नंबर ये एक कॉन्स्टेंट है. दिस इज वन ऑफ द कॉन्स्टेंट विच जस्ट गिव्स द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस ये मुझे यहाँ पे पढ़ना है, ये मुझे यहाँ पे समझ के लेना. सो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस राइट नाउ एंड नेक्स्ट टॉपिक इज देयर वैलेंसी. आपको मैं वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ वेरी क्लियरली इन अ गुड वे एंड देन we will discuss about the compounds. Okay, formation of compounds और उसका नाम मुझे लगता है I think the name of that is the
chemical formula of compound, recapitulation, one of the topic is there, that topic we will discuss and then we will complete this lesson. So next topic name is a valency, हम लोग को valency के बारे में पढ़ लेना है and then finally chemical formula of compound, recapitulation, that topic is there, we will discuss this topic, हम लोग ये दो topics को discuss करेंगे, then we will complete this lesson and then we will solve the exercise of this lesson in detail. हम लोग detail में इसकी exercise solve करेंगे and finally we'll just wind up the session. So we'll discuss about valency. Valency के बारे में discuss करेंगे. मैं आपको बता दूँ valency जो रहती है उसकी definition है valency. Okay, combining the capacity valency of an element to combine. तो उसका definition the capacity of an element to combine is called its valency. तो कोई भी element है वो जो combine होता है जो तो ये combining capacity is depends on the electronic configuration and final electrons present in the outermost orbit. जितने electrons रहते हैं उससे relate कर दे. कुछ examples मैं आपको देता हूँ अभी यह valency के लिए हम लोग explain करेंगे. So मेरे पास element रहेगा यहाँ पे element, उसका atomic number रहेगा मेरे पास atomic number, shortly लिखता हूँ मैं, या electronic configuration रहेगा electronic configuration, okay configuration, और यह रहेगा उसका valency मैं यहाँ पे लिखता हूँ valency. चलो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ. तो मेरे पास फर्स्ट हाइड्रोजन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चलो हाइड्रोजन को लेते हैं फर्स्ट. ओके, उसका एटॉमिक नंबर वन है मुझे पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वन, उसकी वैलेंसी, वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है. फर्स्ट सेल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए. दूसरा मेरे पास है हेलियम, उसका एटॉमिक नंबर टू है, उसका इलेक्ट्रॉनिक, सो इट ने ये डुप्लेट बोलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स रहे तो फर्स्ट सेल में इसको डुप्लेट बोलते हैं. सो दिस स्टेबल, ये स्टेबल स्टेट है, क्या है, स्टेबल स्टेट है. तो इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं और लेता भी नहीं है, ऐसे लिथियम मेरे पास, लिथियम, ओके मैं 20 एलिमेंट्स का आपको बता देता हूँ तो आपके दिमाग में आ जाएगा. लिथियम मेरे पास थ्री है तो इसका आएगा टू, फर्स्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन्स रहते तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ये वैलेंसी वन रहेगा. लिथियम के बाद मेरे पास बेरिलियम है तो इसका फोर है, इसके पास टू और टू इलेक्ट्रॉन्स तो ये टू इलेक्ट्रॉन्स देगा, इसका वैलेंसी टू आ जाएगा. देन बेरिलियम के पास बोरॉन है मेरे पास, इसका फाइव है, सो ये टू एंड थ्री तो ये थ्री इलेक्ट्रॉन्स देगा, इसका वैलेंसी थ्री रहेगा. बोरॉन के बाद कार्बन है, इसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे आएगा सॉरी टू एंड फोर, ओके फर्स्ट सेल में टू ही रहता है फोर, तो ये इधर फोर इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो फोर इलेक्ट्रॉन लेगा. ओके सो इट गिव्स, ओके सो इसका वैलेंसी वन टू थ्री फोर बन गया मेरा बोरॉन. अभी नाइट्रोजन है मेरे पास, बोरन कार्बन नाइट्रोजन मेरे पास है, नाइट्रोजन का है एटॉमिक नंबर सेवन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू फाइव तो ये फाइव इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे. आपको मैं बता दूँ मैक्सिमम फोर वैलेंसी है ताकि फोर इलेक्ट्रॉन्स तक दे सकते हैं, अगर फाइव होते तो उसको थ्री इलेक्ट्रॉन्स लेना बहुत ज़्यादा ईजी है. सो इट टेक्स थ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये थ्री इलेक्ट्रॉन्स लेके उसका आउटरमोस्ट सेल जो है ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट रूल बोलते हैं उसको, तो इसका वैलेंसी थ्री है. याद रखो आपको लगेगा फाइव इलेक्ट्रॉन्स है और इसका वैलेंसी फाइव नहीं है, गलत है. सो मैक्सिमम वैलेंसी आपको बता दूँ, मैक्सिमम वैलेंसी है वन टू फोर, ये बढ़ जाती है, एंड मिनिमम वैलेंसी जीरो है, मिनिमम वैलेंसी है, मिनिमम इसको मिनिमम बोलेंगे, ये फोर है ना इसको मैक्सिमम बोलेंगे, मैक्सिमम है आपकी, ओके ज़्यादा से ज़्यादा फोर वैलेंसी आती है, उससे कम आती है. ओके तो मेरे पास नेक्स्ट है ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर एट है तो ये टू सिक्स, तो ये सिक्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहा है, ये टू इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, क्या कहता है ले लेता है, ओके तो इसका वैलेंसी है जो टू बन जाता है. और एक मेरे पास है फ्लोरिन, चलो फ्लोरिन के बारे में देखते हैं हम लोग. फ्लोरिन मेरे पास है, इसका नाइन है, सो टू एंड सेवन, सो इट नेवर पॉसिबल टू गिव सेवन इलेक्ट्रॉन्स टू एनी अदर एलिमेंट, सो इट इज़ पॉसिबल टू टेक वन इलेक्ट्रॉन, सो ये वन इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसकी वैलेंसी वन है. और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स से हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा मैं बाद में आपको कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ. बाद में मेरे पास से हेलियम के बाद आता है नियॉन, इसका है टेन और ये टू एट, इट इज़ नाइदर टेकिंग नॉर गिवन, ओके देता भी नहीं लेता नहीं, एट इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो स्टेबल रहता है तो इसका वैलेंसी जीरो है. ओके तो आगे आगे हम लोग देखेंगे. सो नियॉन के बाद मेरे पास सोडियम है,
सोडियम का 11 है तो 281, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इसका वैलेंसी 1 है वापस। उसके बाद में मैग्नीशियम है, इसके पास 12 है, सो 282 इलेक्ट्रॉन्स देता है, इसका वैलेंसी 2 है। एल्यूमिनियम है, इसके पास 13 है, सो 283 इलेक्ट्रॉन्स देता है, सो इट इज़ 3। एंड देन एल्यूमिनियम के पास सिलिकॉन है मेरे पास 14 है, 284, सो ये आइदर 4 गिवन और 4 टेकन, इसका वैलेंसी 4 आएगा। सिलिकॉन के पास फॉस्फरस है 15, सो 285, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है यहाँ पे, तो इसका वैलेंसी 3 बनता है। बाद में फॉस्फरस सल्फर है 16 है, 286, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, इसका वैलेंसी 2 है। सल्फर के बाद में मेरे पास एक क्लोरीन है 17, 287, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसका वैलेंसी 1 है। क्लोरीन के पास वापस आर्गन है 18, सो 288, ये नहीं लेता भी नहीं और देता भी नहीं, इसका वैलेंसी 0। तो आपको अभी मैं ये कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर गिवन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर गिवन और टेकन, ओके, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, इनको ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सो यहाँ पे 3 ले रहा है बंदा, यहाँ पे 2 ले रहा है, और यहाँ पे 1 ले रहा है, सो इट इज़ 1, एंड यहाँ पे नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर टेकन और गिवन टू कंप्लीट द ऑक्टेट और डुप्लेट, डुप्लेट भी नेम है, एक डुप्लेट रूल बोलते हैं इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फर्स्ट सेल में रहते हैं, जो आपके बुक में एक्सप्लेन नहीं किया, आर कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल टू, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन और गिवन टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, एंड दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स। ओके, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर टेकन और गिवन टू कंप्लीट द ऑक्टेट आर कॉल्ड एज द इज कॉल्ड एज द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ऐसे ही लिख दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ओके, वैलेंसी बोलते हैं, तो यहाँ पे एड जहाँ पे दिखते हैं आपको, नाइदर गिवन नॉर टेकन, ओके, तो इनको बोलते हैं नोबेल गैसेस, ये नोबेल गैसेस हैं, ये देते भी नहीं और लेते भी नहीं। ओके, कहाँ पे गए ये बंदा, देता भी नहीं और लेता भी नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं सोडियम की बात करूँ, आपको यहाँ पे एग्जांपल विद एग्जांपल मैं इसको इलुस्ट्रेट करूँगा, अगर सोडियम है मेरे पास, अगर इसके पास 281 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बंदा क्या करता है, Na प्लस बन जाता है बाई गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वो दे देता है, क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स, सो इट फॉर्म्स द पॉजिटिवली चार्ज आयन, इट फॉर्म द पॉजिटिवली चार्ज आयन, और इसको कैटायन बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, कैटायन। और क्लोरीन मेरा जो रहेगा, क्लोरीन इसका 287 है, और ये क्या करता है, सॉरी, ये प्लस 1 इलेक्ट्रॉन पहले ले लेता है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एंड इट फॉर्म्स Cl माइनस, तो 288 बन जाता है इसका, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज आयन और ये नेगेटिवली चार्ज, इसी तरह सारे के सारे एलिमेंट जो आपके पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज आयन्स फॉर्म करते हैं, सो जिनका वैलेंसी 1, 2, 3 और 4 है मैक्सिमम, ओके, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आइदर, मतलब 1, 2, 3 वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और पॉजिटिवली चार्ज कैटायन्स फॉर्म करते हैं, जिसको रेडिकल्स बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स एंड नेगेटिव चार्ज रेडिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स आर कॉल्ड एज कैटायन्स एंड नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स आर कॉल्ड एज एनायन्स, और टाइप्स ऑफ रेडिकल्स भी हम लोग को सीखने, पर ये वैलेंसी का कंसेप्ट बोलता है आपका, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर गिवन और टेकन टू कंप्लीट द डुप्लेट और ऑक्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, उसको वैलेंसी बोला जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ के लेना है। मैंने खाली आपको ये एलिमेंट्स दिए, अप टू 18 दिए, मैं आगे के 2 एलिमेंट्स भी दे सकता था, नहीं दिया, तो आपको अगर चाहिए तो उनके भी वैलेंसी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में पोटेशियम आता है, इसका 19 है, सो 2881, तो इसका वैलेंसी 1 आएगा। कैल्शियम है 20 है, सो 2882, तो इसका वैलेंसी 2 आ जाएगा। तो ये आपको वैलेंसी मिल जाएगा, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का वैलेंसी आप इजीली लिख सकते हो, एंड दिस इज द वैलेंसी कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं वापस एक बार बताता हूँ, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर गिवन और टेकन टू कंप्लीट द डुप्लेट और ऑक्टेट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे देखो 288 कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, 1 इलेक्ट्रॉन देखे, यहाँ पे देखो 288 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 1 इलेक्ट्रॉन लेके, तो इसके ऊपर डिपेंड्स करता है। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन पॉजिटिवली चार्ज आर आयन्स आर फॉर्म, एंड दैट पॉजिटिवली चार्ज आयन्स कॉल्ड एज कैटायन्स
and that cations are positively charged radicals, okay, or cation radicals. And when the electrons are accepted or taken, then the negatively charged ions are formed that are known as the anions. So these are the cations. इनको मैं यहाँ पे लिख दूँ cations. ये मेरे cation बनेगा, ये मेरा anion बनेगा, and this is anion. Okay, ये anion मतलब है, ये मेरा cation है. And this is known as positively charged, negatively charged, positively charged. Okay, positively charged है. And this is negatively charged. Okay. तो ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिठा दो, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, नॉट ओनली फॉर योर 9th स्टैंडर्ड बट इट इज़ यूजफुल फॉर योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, के 10th 11th 12th साइंस. तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है. अभी हम लोग रेडिकल्स के बारे में वो देखते हैं, रेडिकल्स के जो टाइप्स है उसके बारे में देखते हैं, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. रिकैपिचुलेशन एक टॉपिक जो छोटा सा है उसको डिस्कस करेंगे, एंड देन विल कंप्लीट दिस लेसन. So one of the topic which I have not discussed is variable valency. Variable valency कुछ elements है जिनके पास variable valencies रहती हैं, जैसे कि मेरे पास copper है, इसके पास one electron देने को रहते हैं two electrons. अगर ये electrons one electron देता है तो ये बनता है Cu plus, और ये two electrons देता है तो बनता है Cu2 plus. इसको बोलते हैं cuprous, और इसको बोलते हैं cupric. तो ये cupric ion, okay, cuprous ions, cupric ion फॉर्म करता है, okay. So इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी. मेरे पास Hg mercury बोलते हैं इसको, इसको कॉपर बोलते हैं, मैं चाहे तो नाम लिखता हूँ, आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. इसको बोलते हैं mercury, इट्स mercury, इसको Hg सिंबल है. इसके पास भी एक और दो इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन देता है तो Hg प्लस बन जाता है, दो इलेक्ट्रॉन देता है तो Hg टू प्लस बन जाता है. तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरस, और इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक, इसको क्या बोलते हैं मर्क्यूरिक. सो दिस आर द वेरिएबल वैलेंसीज एग्जांपल. उसके बाद में मेरे पास फेरस है, और जिसको आयन भी हम लोग बोलते हैं, इसके पास Fe, इसके पास आइदर टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थ्री, तो टू देता है तो Fe टू प्लस बन जाता है, और थ्री देता है तो Fe थ्री प्लस बन जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं फेरस, ओके, इसको फेरस ही बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक आयन. क्या बोलते हैं? फेरिक आयन, ओके. ये आयन है, दिस आर दी आयन, आयन्स आयन, ओके, आयन. सो दीज थ्री मेटल्स आर देयर विच आर दी एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल वैलेंसी, जिनके पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो एक है, दो है, एक तो दो तीन, ओके. सो अकॉर्डिंग टू द नेचर, ओके, देयर नेम्स क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन, मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरिक आयन, फेरस आयन, फेरिक आयन, दिस नेम्स आर गिवन. तो आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरह से एक बार लर्न करना है, वेरिएबल वैलेंसी, जो आपको काम आएगा. मेरे पास बाद में नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकल्स. रेडिकल्स में मैं आपको बता दूँ, रेडिकल्स, दिस इज वन ऑफ द आईएमपी टॉपिक, रेडिकल्स. तो इसको भी हम लोग अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें तो फाइनल टॉपिक्स बचेगा रेडिकल्स. तो यहाँ पे मेरे पास ना बहुत कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि पॉजिटिव रेडिकल्स है, पॉजिटिव रेडिकल्स. तो इन्हें ही बोला जाता है बेसिक रेडिकल्स, इनको बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स, जो पॉजिटिव है, ओके, जो मेटल्स फॉर्म करते हैं मोस्टली, और नॉन मेटल्स भी कभी कभी फॉर्म करते हैं, एच प्लस, ओके. एक्चुअली एच प्लस इट गिव्स द एसिड स्ट्रेंथ, ओके, बट स्टिल इनको बेसिक रेडिकल्स बोला जाता है. उसके बाद में मेरे पास एन ए प्लस है, एन एच फोर प्लस है, ओके. उसके बाद में मेरे पास है के प्लस, देन एम जी टू प्लस, देन सी ए टू प्लस, ओके, देन एफ ई टू प्लस मैंने अभी देखा, देन एफ ई थ्री प्लस, देन मैंने सी यू प्लस देखा, सी यू टू प्लस देखा, एच जी प्लस देखा, एच जी टू प्लस देखा. तो ये सारे के सारे रेडिकल्स जो पॉजिटिव रेडिकल्स में आते हैं, इनको बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स, दिस आर कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल्स. सेकेंड कैटेगरी मेरे पास है नेगेटिव रेडिकल्स. तो इनको हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेडिकल्स. क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल्स. मैं चाहे तो इसको एक बार कंफर्म करके आपको बता देता हूँ. सो आपको बता दो, ये मैंने टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसीज है, दिस आर दी वैलेंसीज ऑफ दी एलिमेंट्स, आपको बता देता हूँ. मतलब इसकी कॉपर की वन भी वैलेंसी है, टू भी है, मर्क्यूरी की वन भी है, टू भी है, एंड फेरस की टू और थ्री वैलेंसीज, ये वैलेंसीज है. तो वैलेंसीज ही आपको यहाँ पे दिखते हैं.
Mg2+ मतलब मैग्नीशियम की टू वैलेंसी, ओके ये आपको याद रखना। नेगेटिव रेडिकल्स जो रहते हैं मेरे, जैसे कि Cl- F-, Br-, I-, ये नेगेटिव रेडिकल्स है। उसके बाद SO4-, ओके NO3-, बाद में CO3-, ओके तो MnO4-, ये सब आपके जो है बेसिक मतलब एसिडिक रेडिकल्स है। और मेरे पास S2-, O2-, N3-, ये जो रेडिकल्स है इनको हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेडिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स। अभी आपको एक बात बता दूँ, आपको और ये कंसेप्ट पढ़ना है आगे जाके। यहाँ पे मेरे पास ना सिंपल और कंपोजिट रेडिकल्स बनते हैं। सिंपल रेडिकल्स मतलब जो सिंगुलर है सिंपल, ये कंपोजिट रेडिकल है जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स से बनी, ओके दिस आर दी कंपोजिट रेडिकल्स। और NO3-, CO3-, मैंने नहीं लिखा है, ओके ये कंपोजिट रेडिकल्स है। तो ये जो जो सिंगल रेडिकल्स है वो सिंपल रेडिकल्स है और ये कंपोजिट रेडिकल्स है। और यहाँ पे एसिड बेसिक रेडिकल्स बन जाते हैं। यहाँ पे मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंसी, ओके उनके रेडिकल्स कैसे रहेंगे, मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंसी के रेडिकल्स, ये जो रेडिकल्स है मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंसी के रेडिकल्स है जो आपको बाद में इक्वेशन पूछा है। दिस आर दी मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंसी रेडिकल्स। तो ये कुछ टाइप्स है रेडिकल्स के। मोनोवैलेंट रेडिकल रहेगी, मोनो मतलब एक ही रहेगा, H+, Na+, देन डाईवैलेंट रहेगी, बाद में ट्राईवैलेंट रहेगी, आपके पास N3-, ओके ये ट्राईवैलेंट, ओके नेगेटिव रेडिकल है, और Fe3+, ये ट्राईवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल है, ओके। सो डाईवैलेंट Cu2+ है, Mg2+ है, Ca2+ है, और डाईवैलेंट है Fe2+ है, डाईवैलेंट मतलब 2+ चार्ज है एंड 2-चार्ज रहेगा। तो ये डाईवैलेंट एसिडिक रेडिकल्स है। तो ये कुछ चीज़ें आपको जो आगे जाके पढ़नी है मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ जब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ देयर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स रिकैपिचुलेशन, उसको डिस्कस करते हैं और ये लेसन हम लोग क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स रिकैपिचुलेशन, ओके। तो इसके बारे में मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो मुझे सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? सोडियम सल्फेट ये मेरा कंपाउंड है, इसका केमिकल फॉर्मूला निकालना है मुझे। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मेरी फर्स्ट स्टेप रहती है राइट द रेडिकल्स ऑफ गिवन कंपाउंड। सो रेडिकल्स of sodium sulfate are as follows, okay। First step है मेरा, step one, इसको step one बोलते हैं हम लोग। Radicals of sodium as follows, so sodium और ये sulfate, इसका नाम है और इसके radicals मैं लिखता हूँ। तो Na मेरे पास है SO4, ये मेरा first step। Step number two है मेरे पास, step two, तो इसको आप ऐसा राउंड मत करो, सीधा लिखो। मेंशन द वैलेंसीज ऑफ ईच रेडिकल की हम लोग क्या करेंगे, वैलेंसी मेंशन करेंगे। तो मेरे पास फर्स्ट रेडिकल था सोडियम और दूसरा SO4, ये रेडिकल है। तो इसका वैलेंसी मेरे पास 1 है और इसका 2 है, इसका वैलेंसी 1 है, इसका 2 है। स्टेप 3 आएगा मेरा, क्रॉस मल्टीप्लाइड वैलेंसीज ऑफ रेडिकल्स, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मुझे रेडिकल्स। सो देयरफॉर मैं वापस लिखूंगा Na1 एंड SO4-2 और इसको एरो से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको इस तरह। एंड स्टेप 4 में रहेगा ऑब्टेन द फॉर्मूला। तो ऑब्टेन करना है मुझे, अभी Na2 बन जाएगा मेरा और SO4 बन जाएगा, तो ये मेरा फॉर्मूला रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से मुझे कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करना है। यू विल ट्राई टू राइट बेटर दैन दिस, आप इससे भी अच्छी स्टेप्स लिख के इसको कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। सो एट दिस पॉइंट दिस लेसन इज कंप्लीटेड। आई हैव ट्राइड एट माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस लेसन, मैंने मेरी तरफ से
मतलब कोशिश की इसको एक्सप्लेन करने की. नाउ दिस इज योर जॉब टू जस्ट ट्राई टू लर्न दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इसको पढ़ो, अच्छी तरह से समझ के ले लो ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको आगे के स्टडी में इसका फायदा हो जाए. ओके, ये मेरा ट्राई था, अभी इसको कंप्लीट कर दिया. अभी इसका एक्सरसाइज को हम लोग क्या करते हैं, लर्न करते हैं एंड देन वी विल कंप्लीट दिस सेशन. सो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास गिव एग्जांपल्स, पॉजिटिव रेडिकल्स मुझे लिखने, तो चलो इनको लिखते हैं. एन ए प्लस मेरे पास है, जितने भी पॉजिटिव रेडिकल्स, एच प्लस मेरे पास है, देन मेरे पास है के प्लस है, मेरे पास सी ए टू प्लस है, मेरे पास एम जी टू प्लस है, मेरे पास सी यू प्लस है, मेरे पास सी यू टू प्लस है, एच जी प्लस है, एच जी टू प्लस है, देन एफ ई थ्री प्लस है, एफ ई टू प्लस है. ओके, तो ऐसे कितने जितने चाहे उतने लिखो पॉजिटिव रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स. इनको ही बेसिक रेडिकल्स भी बोला जाता है, एन ए प्लस जो बेसिक कंपाउंड फॉर्म पर करते, के प्लस, सी ए टू प्लस, एम जी टू प्लस जो मैंने नहीं लिखा वापस लिखता है, सी यू प्लस, देन सी यू टू प्लस, ओके एच जी प्लस, देन एच जी टू प्लस, देन एफ ई टू प्लस, एफ ई थ्री प्लस. इन्हें बेसिक रेडिकल्स भी बोला जाता है. कंपोजिट रेडिकल्स जो आपके दो या दो से अधिक एटम्स है, एन एच प्लस है मेरे पास, एस ओ फोर टू माइनस है, सी ओ थ्री टू माइनस है मेरे पास, देन मेरे पास है यहाँ पे पी ओ फोर एंड थ्री माइनस. ओके, सो इन रेडिकल्स को कंपोजिट बोलते हैं, कि जिसमें सी ओ थ्री टू माइनस लिखा है मैंने ना. ओके, एन ओ थ्री माइनस नहीं लिखा मैंने, एन ओ थ्री माइनस. तो ये सारे के सारे कंपोजिट रेडिकल्स हैं, इनको बोलते हैं कंपोजिट रेडिकल्स. मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंसी, मेरे पास कॉपर है जिसके पास वैलेंसीज है एक तो वन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, सो ये सी यू प्लस एंड सी यू टू प्लस बन जाता है कॉपर, दिस इज कॉपर. देन देर मेरे पास एफ ई है, इसके पास एक तो दो इलेक्ट्रॉन से ती, तो ये एफ ई टू प्लस बन जाता है, कभी कभी एफ ई थ्री प्लस बन जाता है. तो मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंसी आप अच्छी तरह से लिख लो, नाम लिख दो, मर्क्यूरी एक जो मैंने लिखा वो भी लिख दो, बाय वैलेंट एसिडिक रेडिकल्स, बाय वैलेंट चाहिए मुझे. सो ओ टू माइनस मेरे पास, एस टू माइनस, ये सब बाय वैलेंट है, जिनमें दो इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में लिए जाते हैं उनको बाय वैलेंट बोलते हैं. तो इसके ग्रुप में जितने भी आएंगे ओ टू माइनस एस टू माइनस, जिनमें दो इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं उनको बाय वैलेंट एसिडिक रेडिकल्स बोलते हैं. ट्राई वैलेंट बेसिक रेडिकल्स मैंने आपको बताया, एफ ई थ्री प्लस ये ट्राई वैलेंट है, ए एल थ्री प्लस ये ट्राई वैलेंट है, सी आर थ्री प्लस ये ट्राई वैलेंट है, ट्राई वैलेंट बेसिक रेडिकल्स. सो जिनमें थ्री प्लस है मतलब थ्री इलेक्ट्रॉन्स जो देते हैं और अपना आयंस फॉर्म करते हैं उनको ट्राइवेलेंट बोलते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको मैंने डिस्कस किया. अभी सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. सो क्वेश्चन नंबर टू, जिसमें मुझे एलिमेंट्स के नाम दिए, सिंबल्स लिखने, रेडिकल्स लिखने, तो लिखते हैं रेडिकल्स. मर्क्यूरी मेरे पास एच जी है, तो मुझे इसके ऊपर एच जी प्लस रेडिकल बनती है इसकी, एच जी टू प्लस बन जाती. मेरे पास पोटेशियम है के, इसकी खाली के प्लस ही बन जाती है. मेरे पास नाइट्रोजन है एन, इसकी एन थ्री माइनस बन जाती है. मेरे पास कॉपर है सी यू, इसकी भी सी यू प्लस बन जाती है एक, एंड सी यू टू प्लस भी बन जाती है. सल्फर एस है, इसका एस टू माइनस रेडिकल बन जाती है. कार्बन सी है, इसकी एक तो सी प्लस बनेगी आपकी, सी फोर प्लस एक्चुअली, एंड इसको प्लस ही बोलेंगे या सी फोर माइनस बनेगी, या सिंपली सी प्लस और सी माइनस आप लिख दो कार्बन की. मेरे पास क्लोरीन है, तो इसका सी एल माइनस ही बनता है. ऑक्सीजन है, इसका ओ है, उसका सिंबल ओ है, और उसकी रेडिकल जो है ओ टू माइनस बन जाती है. तो ये रेडिकल्स है उनके, और ये इनके सिंबल्स है, और ये इनके नाम है. ये मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड था जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बहुत ही इजी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर थ्री. सो वी हैव टू डिड्यूस द फॉर्मूला, फॉर्मूला डिड्यूस करना है. फर्स्ट है सोडियम सल्फेट, मैंने नहीं लिया उसका एग्जाम्पल बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट इट. मैंने यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया. इसको आपको फर्स्ट स्टेप क्या है आपको मैं बता दूँ. तो फर्स्ट स्टेप राइट द रेडिकल्स. ओके, तो ये मैंने लिखते यहाँ पे वापस लिखता हूँ स्टेप वन. सो यहाँ पे मैं लिखूँगा राइट द रेडिकल्स. सो रेडिकल्स ऑफ पोटेशियम, रेडिकल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रेट आर एज फॉलोज और दी रेडिकल्स, ऐसा भी वर्ड लिखो चलेगा.
ओके तो मेरे पास पोटेशियम है यहाँ पे, उसके बाद नाइट्रेट है यहाँ पे, और उसके रेडिकल्स मैं लिखता हूँ फर्स्ट, तो मेरे पास इसका के और इसका एन ओ थ्री है। ओके तो सेकेंड स्टेप मेरा आएगा मेंशन द वैलेंसीज ऑफ ईच रेडिकल, मेंशन द वैलेंसीज वैलेंसीज ऑफ ईच रेडिकल के, ईच रेडिकल मतलब मैंने खुद ने लिखा ही ऐसा एक्सप्लेनेशन, आप अलग लिख लो चलेगा। सो के यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे एन ओ थ्री, इसका वैलेंसी वन है और इसका भी वन है, तो स्टेप नंबर थ्री आएगा। स्टेप थ्री आएगा क्रॉस मल्टीप्लाइड, क्रॉस मल्टीप्लाइड वैलेंसीज, ओके वैलेंसी लिखते तो वैलेंसीज ये वर्ड भी सही है, ऑफ रेडिकल्स, ऑफ रेडिकल्स, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के मेरे पास है एन ओ थ्री है, वन वन ही है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो इससे इससे, एंड स्टेप फोर, सो ऑब्टेन द फॉर्मूला, ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, सो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा के एन ओ थ्री, तो ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा के एन ओ थ्री। तो मेरे स्टेप्स जो है यहाँ से नहीं बदलेंगे, ओके मैं आपको बता दूँ ये स्टेप्स से मेरे ये नहीं बदलेंगे, अभी मैं नेक्स्ट के लिए स्टेप्स नहीं लिखने वाला, ये आपको खुद को लिखना है, नेक्स्ट जो मेरा कैटेगरी उसके लिए स्टेप्स आपको खुद को लिखना है। तो चलो फेरिक सल्फेट के बारे में लिखते हैं, फेरिक फॉस्फेट, तो इसका मैं अभी स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, आपको जो स्टेप्स मैंने बता दिया किस तरह करना है, तो स्टेप वन का एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, स्टेप वन में खाली लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे फेरिक है, यहाँ पे फॉस्फेट है, दोनों ग्रुप लिखते हैं हम लोग, पी ओ फोर ए, यहाँ पे एफ ई है, ओके वैलेंसीज दूसरे, दूसरी स्टेप मेरी वैलेंसीज है, तो मैं एफ ए लिखता हूँ, यहाँ पे पी ओ फोर लिखता हूँ वैलेंसीज, आपको मतलब स्टेप्स के एक्सप्लेनेशन को लिखना है, मैं पहले बता दूँ फेरिक की भी थ्री है और इसकी भी थ्री है, तो ये इससे और ये इससे बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो स्टेप में थ्री लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको रफ करता हूँ, स्टेप थ्री है तो मेरा स्टेप थ्री आएगा, उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ ई प्लस पी ओ फोर, सो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो स्टेप फोर मेरा ऑब्टेन द फॉर्मूला आएगा, ओके स्टेप फोर, तो मुझे एफ ई थ्री पी ओ फोर थ्री मिलेगा, सो पी ओ फोर एंड दिस ब्रैकेट कंप्लीट थ्री मिलेगा, सो एफ ई थ्री, सो सेम अगर नंबर्स रहेंगे तो उनको मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, ये भी मेरा एक फॉर्मूला, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू एफ ई पी ओ फोर, ये आएगा इसका फॉर्मूला, मैं अगर सेम रहेंगे नंबर्स एट द बॉटम आई कैन जस्ट डिवाइड दैट नंबर बाय सेम नंबर्स एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, सो दिस इज द फॉर्मूला। तो इस तरह आपको ऑब्टेन करना है, मैं स्टेप्स को नहीं लिखने वाला अभी, अभी स्टेप्स को आपको लिखना है और मैं खाली आपको बताने वाला हूँ किस तरह करना है मुझे, ओके तो ये दो एग्जांपल्स हम लोगों ने सॉल्व किया, अभी कुछ और एग्जांपल्स है तो हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें से, ओके मेरे पास और है कैल्शियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग सॉल्व करते एंड देन वी विल कम्प्लीट दिस क्वेश्चन। सो आगे के दो कंपाउंड्स के लिए हम लोग लिख देते हैं, तो मैं स्टेप आपको बताता हूँ, स्टेप वन वही रहेंगी, आपको खाली मेंशन करना है कैल्शियम और ऑक्साइड, ओके सो कैल्शियम और ऑक्साइड, एक्चुअली कैल्शियम और ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे, तो सी है यहाँ पे, ऑक्साइड के लिए ओ आएगा यहाँ पे, बाद में स्टेप टू है आपको इसकी वैलेंसीज लिख देनी है सी ए ओ, तो वैलेंसीज की टू है, ऑक्सीजन की भी टू है, स्टेप थ्री वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको सी ए एंड ओ टू एंड टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो मुझे स्टेप फोर मेरा फॉर्मूला ऑब्टेन मिल जाएगा, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी ए टू ओ टू, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ टू से तो मुझे मिलेगा सी ए ओ, ये नंबर सेम रहेगा तो आपको डिवाइड करना पॉसिबल है, मैं पहले बताता हूँ। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तरफ बढ़ते सो स्टेप वन आएगी मेरी, इनके इनके रेडिकल्स लिखो एल्यूमिनियम और ये है हाइड्रोक्साइड मेरा, तो इनका रेडिकल, इसका रेडिकल ए एल ए, इसका ओ एच है। स्टेप टू आएगा वैलेंसीज मेंशन करो, चलो ए एल एंड ओ एच की वैलेंसी में मेंशन करता हूँ, इसकी थ्री है और इसकी वन है, ओके इसकी थ्री इसकी वन है। स्टेप थ्री आएगा मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए एल देन ओ एच
थ्री एंड वन, ए इससे मल्टीप्लाई होगा, ए इससे मल्टीप्लाई होगा, स्टेप फोर आएगा मेरा, डिड्यूस द फॉर्मूला, डिड्यूस द फॉर्मूला भी करेक्ट वर्ड है, तो ए एल वन ही रहेगा और ये ओ एच थ्री बन जाएगा, ये मेरा फॉर्मूला रहेगा. ओके, बिकॉज वन इज नॉट कैलकुलेटेड, वन नहीं हम लोग कैलकुलेट करें. सो लास्ट स्टेप यू कैन राइट डिड्यूस द फॉर्मूला, इस तरह भी लिख सकते हैं डिड्यूस द फॉर्मूला. ओके, सो डिड्यूस द केमिकल फॉर्मूला, ये भी वर्ड यूज़ करते हैं. बेटर वे आपको जिस तरह लगता है, आपको सही लगता है, जिस तरह आपको निकालना पॉसिबल है निकाल, मैं खाली आपको गाइड कर रहा हूँ हाउ टू राइट, आपको किस तरह निकालना चाहिए मैं बता रहा हूँ. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थ्री, वी हैव कंप्लीटेड इट एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फोर. सो वी विल डिस्कस द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, मैं शॉर्ट में बताऊंगा बट दैट विल बी इफेक्टिव. यू हैव टू कैप्चर हाउ टू राइट दिस. मेरे पास सोडियम में मोनोवेलेंट बोला है, तो इसका मैं रीज़न बताता हूँ. इसका एटोमिक नंबर, एटोमिक नंबर, नंबर जो सोडियम का है मेरे पास, इट इज 11. इसका सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका लिखूंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आपको सब डिटेल लिखनी है. इसका आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281. सो सोडियम कैन डोनेट वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्सेस. सोडियम गिव्स वन इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज आयन. इसको कैटायन भी बोलते. इसका रिएक्शन आपको लिखना है Na, यहाँ पे 281 लिख दो. सो ये Na प्लस बन जाता है 28 व्हेन इट गिव्स वन इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और द चार्ज ऑन इट्स आयन इज 1, 4. द चार्ज ऑन इट्स आयन मीन्स Na प्लस is 1, therefore sodium is monovalent, therefore sodium is monovalent, its valence is 1, yeah, therefore its valency is 1. okay, abhi likho, aapko jitna acha possible hai na likho. यू जस्ट राइट एट योर बेस्ट सोल्यूशन बना दो इसको. मैं मुझे दिया है M इज अ मेटल बायोवेलेंट हो सल्फेट और फॉस्फेट के साथ, उसके कंपाउंड्स लिखने. मैं बता दूँ अगर M अगर बायोवेलेंट है, ओके, तो M आएगा यहाँ पे, इसका वैलेंसी 2 आएगा. सल्फेट मेरे पास SO4, इसका वैलेंसी 2 है. अगर मैं स्टेप वाइज करने जाता हूँ, मैं आपको स्टेप बताया, वो स्टेप सबको फॉलो करने हैं. ओके, तो स्टेप वाइज करने जाता हूँ तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा M2SO4 एंड दिस इज़ ऑल्सो 2. अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा MSO4. ये इसका कंपाउंड रहेगा, मीन्स केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ सल्फेट. इस सल्फेट के लिए मैंने बताया, ये फर्स्ट था मेरा, एक सेकेंड है मेरा, मोनोवेलेंट ही है. तो M का 2 रहेगा और फॉस्फेट आपका जो रहता है उसका 3 रहता है. ओके, सो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा. मैं स्टेप वाइज लिखना है, मैं वापस आपको बताता हूँ, मैं खाली आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ. ये मेरा ये M3 आएगा और ये आएगा PO4 एंड ट्वाइस, इसको मैं नहीं डिवाइड कर सकता तो ये केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा. दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ M विथ फॉस्फेट. ओके, एंड आई थिंक फॉस्फेट आयन नहीं दिया, फॉस्फेट ही दिया. ओके, फॉस्फेट रेडिकल एंड दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ M विद सल्फेट रेडिकल. ओके, सल्फेट आयन, सल्फेट रेडिकल. ओके, ये आपको यहाँ पे लिख देना है. तो इन दिस वे यू हैव टू डिड्यूस द केमिकल फॉर्मूला. स्टेप्स जो मैंने पहले आपको बताए उसी तरह से सॉल्व करो ताकि वो बेटर रहेगा. दैट आंसर विल बी लुकिंग वेरी गुड. आपको आंसर बहुत अच्छी तरह से लिखने को मिलेंगे. तो ये थे मेरे क्वेश्चंस नंबर, मतलब क्वेश्चन चालू है मेरा, फोर्थ क्वेश्चन है. फर्स्ट टू क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द रेफरेंस
रिफरेंस एटम्स फॉर द एटॉमिक मास वाज यूज्ड. ओके, तो ये था और दो रिफरेंस एटम्स के बारे में मुझे लिखना है. सो इन अर्लियर टाइम देर वाज नो मेथड टू मेजर द एटॉमिक मासेस. ओके, देर वाज नो फिक्स मेथड टू मेजर. ओके, सो इन वर्ल्ड टाइम मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इन वर्ल्ड टाइम और वर्ल्ड टाइम ओल्ड टाइम और अर्लियर टाइम. ओके, यहाँ पे मैं अर्लियर टाइम देर वाज नो फिक्स मेथड available to measure atomic masses of different elements. Okay, different elements. So reference atoms for atomic mass, this method was used. So reference atoms for atomic mass were used to measure or to calculate भी लिख सकते the mass of elements. तो ये मैंने लिख दिया इसका रीज़न. अभी मेरे पास रेफरेंस स्टैंडर्ड के लिए सेकेंड है रेफरेंस आइटम्स. ओके, सो हाइड्रोजन आइटम वॉज यूज एज रेफरेंस आइटम एज इट्स एटॉमिक मास इज वन. ओके, देन नेक्स्ट इन 1961 कार्बन 12 वाज सिलेक्टेड एज अ रेफरेंस आइटम टू मेजर और टू कैलकुलेट atomic masses the atomic mass of one hydrogen is 12 into 1 upon 12 times okay of carbon so it is 1. ओके, तो ये आप इसको इस तरह से लिख दो. शॉर्ट में लिख दो, आपको चाहिए तो बिग में लिख दो, इट्स योर चॉइस, बट यू राइट इन परफेक्ट वे. ओके, मैंने मेरी तरफ से लिखने की कोशिश की, आपको जिस तरह चाहिए उस तरह लिख. यूनिफाइड एटॉमिक मास मैंने पहले ही बताया था, इट इज ए यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, इसको यूनिट बोलते हैं एटॉमिक मास. इट इज कॉल्ड डाल्टन, इसको कॉल्ड डाल्टन. इट्स सिंबल इज स्मॉल यू एंड यू इज इक्वल टू 1.6053904 × 10⁻²⁻²⁷ kg. सो इट इज़ ए यूनिट ऑफ एटोमिक मास. ओके, इसको यूनिट बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डाल्टन, इट्स सिंबल इज यू एंड इट्स वैल्यू इज 1.6053904 × 10⁻²⁷. ये वैल्यू करेक्ट है कि नहीं आप एक बार रीचेक कर दो. मेरे पास लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर से बचा, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स व्हाट इज मीन बाय मोल ऑफ अ सब्सटेंस. चलो मोल ऑफ सब्सटेंस को भी यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर देते. तो मोल ऑफ सब्सटेंस मैं बता दूँ आपको, फिफ्थ मोल ऑफ सब्सटेंस मोल. ओके, मोल को हम लोग बोलते हैं 1 mole of substance. सो 1 mole of substance का डेफिनेशन है 1 mole of substance is mass of it in grams equal in magnitude to its molecular mass. तो मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इट्स मोलिकुलर मास इज नोन एज 1 mole. ओके, सो यहाँ पे कंसेप्ट है जो हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए यूज किए जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस. ओके, ऑफ अ सब्सटेंस
इसको हम लोग बोलते हैं एन इज इक्वल टू इसके सामने का इज इक्वल टू इधर लिखा मैंने मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, और ये कंपेयर किया मैंने मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस से, मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये मुझे फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, और इसके लिए आप चाहे तो कोई एक एग्जांपल भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि ये मोल का कंसेप्ट था मैंने बताया। यू ट्राई टू राइट बेटर दैन दिस, आप इससे भी अच्छा लिखने की कोशिश करो। दिस इज़ माई ट्राई टू जस्ट एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट, बट यूर ट्राई शुड बी डिफरेंट दैन मी एंड बेटर दैन मी, बिकॉज यू आर टू राइट द सोल्यूशंस इन एग्जामिनेशन, सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। इसलिए आप ज़्यादा ध्यान दो, अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करो और पूरा अंडरस्टूड करके ले लो। ओके, तो ये था मेरे क्वेश्चन नंबर 4 जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, एंड देन स्टेप वाइज 6, 7 एंड 8 विल डिस्कस, एंड देन विल कम्प्लीट दिस सेशन। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, मुझे नेम्स लिखने और मोलिकुलर मासेस लिखने। ओके, तो नेम्स में लिखता हूँ सोडियम सल्फेट, हम लोग को अच्छी तरह से पता है सोडियम सल्फेट ये इसका नाम है। ओके, सोडियम सल्फेट, और ये तो मैंने उसका नाम, उसका मोलिकुलर मास मुझे लिखना है। तो मैं सोडियम फर्स्ट लेता हूँ एन ए। ओके, इसका एटोमिक मास है 23 एन ए, एटोमिक मास 23 मैंने बोला आपको, एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। देयरफॉर 2 इंटू, ओके सो आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा, दिस इज़ यू हैव टू मेक द चार्ट। एटॉमिक मास 20 और सल्फर, ओके एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास है आपका, मास सल्फर का है 32, और ऑक्सीजन ओ एटॉमिक मास है आपका, मास है इसका ऑक्सीजन का 16। देयरफॉर मैं लिखता हूँ एन ए टू एस ओ फोर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि इट्स 2 इंटू मेरा 23 प्लस, ओके दिस 32 प्लस 4 इंटू 16 इज इक्वल टू मैं डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, और ये मैं करूँगा 46 प्लस, मैंने इसको ऑलरेडी किया था 32 और ये मैंने किया 64। इनको ऐड करते हैं हम लोग, ये 64 और ये, तो ये बनेगा 2 कैरी 1 किया मैंने, तो 142 ग्राम। ओके, एटॉमिक मास हम लोग यू में लिखते हैं। ओके, सो दिस इज़ डाल्टन, एटॉमिक मास मेजर इन डाल्टन। ओके, तो ये इसका एटॉमिक मास आएगा फर्स्ट का, सेकेंड का भी मेरा इसका पोटेशियम कार्बोनेट नाम है इसका, पोटेशियम कार्बोनेट आई थिंक पोटेशियम कार्बोनेट इज़ करेक्ट। तो इसका एटॉमिक मास लिखना है, तो के का जो है आपका, मैं बता दूँ के का रहता है इट इज़ 39 एंड सी का मेरे पास 12 एंड ओ का मेरे पास 16। ओके, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास यहाँ पे एलिमेंट लिखो आप, और यहाँ पे एटॉमिक मास लिखो आप, ऐसे करो एटॉमिक मास जो मैंने यहाँ पे दिया है 39 12 एंड 16 इसको लिखो। देयरफॉर के टू सी ओ थ्री इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 2 इंटू 39 प्लस सी इज 12 प्लस 3 इंटू 16। ये आपको डायरेक्टली करना है, क्या कैसे करना है आप देख लो। सो डिवाइड 8, 78 आ जाएगा, ये 12 और ये 48 आ जाएगा, इनको तीनों को ऐड करो, ये 10 बन गया, 18 जाए 8 आ गया, कैरी 1 किया मैंने यहाँ पे, तो 6 एंड 7 13 बनेगा, तो ये आएगा इसका एटॉमिक मास। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास। बट मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, आपके बुक के अंदर जैसे दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, देन द एटॉमिक मास, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन द टोटल एटॉमिक मास, एंड देन फाइनली मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड। इस तरह से करो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आप इस तरह से करो, आपको जो मेथड सही लगता है करो, बट यू राइट इन अ प्रॉपर वे, आप सही तरीके से लिखो। मैं ये आपको शॉर्टली समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इससे बेटर लिखो, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेन यू आर राइटिंग पेपर। आप पेपर में लिखते हो तो अच्छा लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगी। तो ये था मेरा फर्स्ट 2 एग्जाम्पल, अभी 3 एग्जाम्पल्स बचे या 4-5 एग्जाम्पल्स, आपको मैं फटाफट उनको शॉर्टली एक्सप्लेन करके देता हूँ एटॉमिक मास किस तरह से निकालना है, और उनके नाम बता देता हूँ, ताकि हम लोग रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें।
सो नेक्स्ट कंपाउंड से मेरे पास, मैंने उनके नाम ऑलरेडी लिख दिया, बहुत ही चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर मास मुझे निकालना है। तो CO2 लिखता हूँ मैं इज इक्वल टू लिखता हूँ 12 + 16 × 2 और 2 × 16 तो आएगा ये 12 + 32 आएगा तो आएगा 44 U। ओके सो एटॉमिक मोलिकुलर मास ऑफ CO2, मोलिकुलर मास ऑफ CO2 इज 44 U, मतलब ये डाल्टन बोलते हैं इसको, मोलिकुलर मास भी डाल्टन में हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड इसका निकालेंगे। सो यहाँ पे MgCl2 लिखता हूँ मैं, यहाँ पे 24 है इसका प्लस इसका 35.5 × 2 आएगा, सो ये आएगा 24 + 71 आ जाएगा। तो इनको ऐड कर दो आप तो आपको मिलेगा 95 U। सो मोलिकुलर मास ऑफ मैग्नीशियम आपको फाइनली इस तरह लिख देना है यहाँ पे। बाद में एल्यूमिनियम फॉस्फेट है मेरे पास, तो AlPO4, तो एल्यूमिनियम का 27 है प्लस फॉस्फेट का 31 है फॉस्फर का, एंड ऑक्सीजन आई नो दैट 16 × 4 करना पड़ेगा मुझे, तो ये मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, तब तक के लिए बनेगा 58 + ये बनेगा 64, दोनों को ऐड कर दो आप 2 और ये 1 यहाँ कैरी किया तो मैंने 1 2 2 U आ जाएगा। ओके ये इसका बनेगा, तो इस तरह करो आप, आपके मेथड से करो बुक के, नो प्रॉब्लम। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास NaOH का मुझे निकालना है, इसका 23 + 16 + H का 1 तो ये बनेगा 40 U। आप ये यूनिट भी सही है क्या नहीं आप एक बार देख लो, मैंने बुक में ज़्यादा देखा नहीं, चेक नहीं किया इसको कि NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं हम लोग। सो NaHCO3 मेरा यहाँ पे मैं निकालूंगा 23 + 1 + कार्बन का मेरे पास है 12 + 3 × 16 और 16 × 3, चलो इनको तब तक ऐड कर दे, 13 बन जाते हैं ये 3 तो ये 36 बन जाएंगे। ओके प्लस मेरे पास यहाँ पे 48, तो ये 48 है तो यहाँ पे 8 तो 4 1 कैरी किया, ओके तो 84 U आ जाएगा इसका। तो इस तरह आपको निकालना है, ये मोलिकुलर मास निकालने का जो टेक्निक है मैंने बताया बुक के अंदर दिया वो भी सही है, विच वन इज़ करेक्ट एंड विच वन इज़ सुटेबल फॉर यू, विच वन इज़ कन्वीनियंट फॉर यू, यू ट्राई टू यूज़ दैट टेक्निक टू फाइंड आउट द मोलिकुलर मास। तो एक क्वेश्चन था मैंने सॉल्व किया, अभी क्वेश्चन नंबर 6 को फर्स्ट एक्सप्लेन कर दे, बाद में क्वेश्चन नंबर 7 एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, एंड देन वी विल कंप्लीट दिस सेशन। सो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें मुझे स्लेक लाइम का एक सैंपल दिया, ओके स्लेक लाइम दिया, उसके दो सैंपल्स दिए और उनके बीच के मुझे टोटल मास दिए, देन द मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ ऑक्सीजन दोनों में दिए, और मुझे फाइंड आउट करना है ये मतलब जो भी रिलेशन से दोनों के बीच में कौन से लॉ से वेरीफाइड हो सकती है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे। सो फर्स्ट मैं लिखूँगा द रेशो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन टू कैल्शियम, कैल्शियम इज क्या आएगा मेरे पास 2 to 5 आ जाएगा। ओके सो इट इज़ देफो इट इज़ इक्वल टू, मैं निकलिंग इसको अगर मैं बढ़ा देता हूँ रेशो ऑफ ये इज नहीं लिखते ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन टू कैल्शियम इज 2/5 सो ये बनेगा 4/10 बाई मल्टीप्लाइंग। सो दिस इज फर्स्ट, ओके यहाँ पे भी सेम आएगा द रेशो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन टू कैल्शियम इट इज़ गिवन, यहाँ पे दिया मुझे 0.4/1 सो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो 4/10 आ जाएगा, सेकेंड ये 1 आएगा। ओके सो फ्रॉम वन एंड टू इट इज़ क्लियर दैट द रेशो ऑफ वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट, द रेशो ऑफ वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन बोथ द सैम्पल्स, बोथ द सैम्पल्स इज कॉन्स्टेंट, इज कॉन्स्टेंट। सो द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन proportion is verified in above exam, in these examples, in this
एग्जाम्पल्स। सो आपको लॉ एक्सप्लेन करना है, मैं लॉ को वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आपको इसके भी नीचे लॉ लिखना है, दी वेट ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट सैम्पल्स इज फिक्स। द प्रपोर्शन ऑफ वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द डिफरेंट सैम्पल इज फिक्स। वो लॉ यहाँ पे लिख दो, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। अभी दो ही क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल कंप्लीट दिस लेसन। सो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें मुझे कुछ वेट दिया है कंपाउंड्स का, कुछ वेट दिया है सब्सटेंस का, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये मुझे फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आई हैव टू फाइंड इन दिस एग्जांपल 32 ग्राम ऑक्सीजन। मैं आपको बता दूँ ऑक्सीजन जो रहता है सो उसका मॉलिक्यूलर वेट मुझे लिखना पड़ेगा। सो फर्स्ट मुझे मॉलिक्यूलर वेट लिखना है, मॉलिक्यूलर वेट, ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन मुझे निकालना पड़ेगा। सो ऑक्सीजन इज, इट इज़ अ मॉलिक्यूल, ओके, O2, सो इट इज O2 मीन्स 2 × 16, सो इट विल बी 32 ग्राम, ओके, मुझे मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम, ओके। सो देयरफॉर 1 mole ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो मुझे ये पता चला 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे 32 ग्राम ही दिया एक्चुअली, ओके। सो देयरफॉर 1 mole ऑफ, सो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 mole ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स। तो इस इतने मॉलिक्यूल्स, ये एवोगाड्रो नंबर है, इट इज़ अ कांस्टेंट, इसके लिए कांस्टेंट आएगा। आप अगर अलग एग्जांपल देखो तो देयरफॉर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेंस 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर है, ओके। ये मैं यहाँ पे नहीं लिख दूँ। 90 ग्राम ऑफ वाटर, सो फर्स्ट मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर ऑफ H2O निकालना है। मैं आपको बोल दूँ ग्राम में लिख दो, पहले वाला आप रीचेक करो, मैं डाल्टन उसके लिए यूनिट दिया है, इट इज़ इन ग्राम और डाल्टन, ओके। सो इट इज़ ओके, मेरे पास आएगा 2 × 1 + 1 × 16, तो ये बनेगा 2 + 16, तो ये बनता है 18 ग्राम, ओके। सो 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 mole ऑफ H2O, ओके। सो देयरफॉर मुझे पता है 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 mole ऑफ H2O, सो मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स of H2O, ए मोलिकुलर मास है उसका, ओके। तो मुझे यहाँ पे मास ऑफ H2O इन ग्राम्स, ओके, और यहाँ पे मोलिकुलर मास ऑफ H2O लिखना है मुझे, मोलिकुलर मास ऑफ H2O। तो मैंने मास दिया है मुझे 90 और मोलिकुलर मास मुझे मिला है 18, तो ये आएगा 5 mole आएगा, क्या आएगा, 5 mole, ओके। सो दिस इज 5 mole, सो देयरफॉर 1 mole ऑफ H2O इज इक्वल टू 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स, ये मेरा स्टैंडर्ड है जो मुझे यूज़ करना है। देयरफॉर 5 mole ऑफ H2O इज इक्वल टू 5 × 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ओनली रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, इसको करो 11 आ जाएगा, और उसके बाद में 30 आ जाएगा, ओके, 30.110, सो इसको निकाल देते हैं हम लोग, × 10²³ मॉलिक्यूल्स, ये मेरा सोल्यूशन आ जाएगा। सो देयरफॉर 90 ग्राम ऑफ वाटर कंटेंस आपका जो ऊपर आंसर आया 30.11 × 10²³ मॉलिक्यूल्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स उसमें रहने वाले, ओके। तो इस तरह आपको सॉल्व करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करना है।
यहाँ पे अभी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने की जरूरत है, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका 32 ग्राम है और यहाँ पे भी 32 ग्राम ही आता है उसका मॉलिक्यूलर मास. सो इट्स ओके इन दैट केस यू कैन राइट डायरेक्टली, बट इन द अनदर केसेस यू नीड टू फाइंड द मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स एंड देन यू हैव टू सॉल्व. ओके, तो मोल का जो मेरा वर्ड है तो ये यहाँ पे जिस तरह लिखा वैसे लिखो. ओके लाइक दिस. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7. अभी जो क्वेश्चंस बचे हुए हम लोग सॉल्व करते हैं वन बाय वन एंड देन विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8. सो मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल से उनको सॉल्व करते हैं हम लोग. 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे फर्स्ट काम करना है CO2 मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2. तो निकालते हैं, मेरे पास 12 × 2 × 16 मुझे करना पड़ेगा. ये प्लस है, गलती से कहीं लिख दिया तो आप इसको करेक्ट करो. 12 + 32 तो ये आएगा 44 ग्राम. ओके, ये ग्राम में आ जाता है. तो अभी मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा. नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. पहले हम लोग मोल्स N निकालेंगे इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे मास ऑफ CO2 इन ग्राम्स जो आपको दिया रहेगा अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ CO2, मोलिकुलर मास ऑफ CO2 ये लिखते हैं हम लोग. तो चलो इसको लिख देते हैं. मास मुझे दिया 8.8 और मोलिकुलर मास मेरे पास है 44, तो ये आएगा 0.2 मोल आ जाएगा. ओके, ये आएगा. देयरफॉर वन मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स. मुझे कुछ नहीं, स्टैंडर्ड रिलेशन है, वन मोल हर एक के, वन मोल के लिए ये रिलेशन है. देयरफॉर 0.2 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.2 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स. ये आएगा यहाँ पे. अभी जीरो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4, यहाँ पे भी मिलेगा 4, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 12. तो यहाँ पे 12 मतलब 2, ये 1.2004 तक ही, या एक डिसिमल फ्रैक्शन और ये 3, तो 1.2044 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स. तो ये मेरा सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे. देयरफॉर ये इसको पहले मैंने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया. सो दिस इज देयरफॉर 8.8 ग्राम ऑफ CO2 कंटेंट्स मुझे फाइनल लिखने को मिलता है यहाँ पे 1.2044 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स. तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा. तो इस तरह आपको लिखना है. देन 7.1 ग्राम क्लोरीन. ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन निकालो फर्स्ट. मॉलिक्यूलर ऑफ मास ऑफ Cl2, क्लोरीन का Cl2 होता है. तो Cl2 का मतलब मैं बता दूँ, इट इज़ 2 × 35.5, तो यह आता है 71 ग्राम आता है. देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स निकालो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2, क्लोरीन का Cl2. सो मास ऑफ Cl2 इन ग्राम्स अपॉन मोलिकुलर मास. यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, मोलिकुलर मास, मास ऑफ Cl2. तो मास तो मुझे दिया है 7.1 और ये 71 आ गया, तो ये आएगा 0.1 मोल आएगा. क्या आएगा? 0.1 मोल. देयरफॉर वन मोल ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स. तो ये मेरा स्टैंडर्ड रिलेशन. देयरफॉर 0.1 मोल ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³ × 0.1 मॉलिक्यूल्स. तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ का वन डिजिट कम कर देते हैं, 0.22 × 10⁻²² मॉलिक्यूल्स, ताकि मैं इसका डेसिमल फ्रैक्शन हटा के इसको एज इट इज़ लगता हूँ 22 मॉलिक्यूल्स. तो आपको फाइनल लिखने को मिलेगा. देयरफॉर 7.1 ग्राम ऑफ Cl2 कंटेंस, ये आपका फाइनल आंसर 0.22 × 10⁻²² मॉलिक्यूल्स. तो ये आपका फाइनल आंसर इस तरह आएगा. तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है. यहाँ पे फॉर्मूला जो आपके बुक में दिया उसको यूज़ करो. जस्ट यू हैव टू राइट लाइक दिस. सो ये आपका पैटर्न रहेगा. इस तरह आपको सॉल्व करना है. अभी मेरे पास लास्ट क्वेश्चन जो बचा है 8 नंबर, उसको सॉल्व कर दें एंड देन वील वाइंड अप दिस सेशन.
सो दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें 0.2 मोल आपको सब्सटेंस दिया है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, और मुझे उस 0.2 मोल में कितने ग्राम का सब्सटेंस है मुझे फाइंड करना, मास इन ग्राम्स निकालना है। तो ऑब्वियसली हम लोग करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड के लिए फर्स्ट करते हैं, वन इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ओके, उसका मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है NaCl, तो उसका मॉलिक्यूलर मास आपको फर्स्ट निकालना है, मॉलिक्यूलर मास सबका आपको मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ NaCl, इसको ग्राम्स में निकाल लो, ग्राम्स में तो मुझे आएगा ये 23 प्लस ये 35.5, तो ये आएगा मेरा 58.5 ओके ग्राम ओके। तो मेरा जो फॉर्मूला था पहले जो मैंने यूज़ किया, तो मुझे 0.2 मोल यहाँ पे दिया है, नंबर ऑफ़ मोल्स दिया है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स, ये जो मेरा एन था वो मुझे मिला है 0.2 मोल, ये मुझे दिया है, देयरफॉर मुझे मास ऑफ NaCl इन ग्राम्स फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ, तो मुझे आएगा मोलिकुलर मास और नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, मेरा ये फॉर्मूला मैंने उसको खाली रीअरेंज किया, तो मेरे पास 0.2 है इनटू मुझे ये लिखना है 58.5, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 × 10 = 0, कैरी वन किया मैंने, ऑफ दिस इज 5 × 8 = 16 एंड 117 आएगा यहाँ पे, तो दो घर के बाद मुझे पॉइंट देना है, 2 × 5 = 10 and 1 = 11, तो ये आएगा ग्राम। सो इतना आएगा मास ऑफ NaCl इन ग्राम्स, मुझे 11.70 ग्राम मिलेगा। मेरे पास सेकेंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको मैं लिखता हूँ एम मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने यहाँ पे मिस किया, ई नहीं लिखा ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgO, मास ऑफ MgO, सो इट इज Mg 24 एंड दिस इज 16, तो ये आएगा 40 ग्राम ओके। सेम फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपको यहाँ पे MgCl के भी दिए, n इज 0.2 मोल, सो मेरा फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ MgO, m इज कैपिटल डोंट राइट स्मॉल, इन ग्राम्स, ग्राम्स ये निकलेगा मेरा जो फॉर्मूला मैंने लिखा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, इनटू मॉलिक्यूलर मास, अभी ये उसका ही रहने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एम ए तो इसका ही आएगा 0.2 × 40 ओके, 4 × 8 तो ये आएगा 8 ग्राम आएगा, क्या आएगा 8 ग्राम। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था, अभी थर्ड क्वेश्चन मेरा जो है यहाँ पे उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको सॉल्व कर दें हम लोग, सो ये आएगा CaCO3, तो मॉलिक्यूलर मास निकालो इसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3, कैल्शियम का मुझे पता है 40 है, कार्बन का 12 है, और 3 ऑक्सीजन से 3 × 16 करेंगे, तो 40 प्लस 12 प्लस ये करेंगे हम लोग, तो हमें मिलता है 48, तो ऐड कर देते 100 ग्राम मिल जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स दिए आपको, नंबर ऑफ मोल्स इनको भी लिखना पड़ेगा आपको, जो दिए 0.2 मोल, देयरफॉर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इन ग्राम्स मुझे निकालना है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला भी आप लिख दो लास्ट में ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स 0.2 और ये 100 ओके, तो 100 को अगर 0.2 से करूँगा 20 ग्राम आ जाएगा, सो दिस इज सॉल्यूशन ओके। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, आई हैव ट्राई टू सॉल्व इट एट माई बेस्ट, मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया इसको एक्सप्लेन करने का लेसन को, एट दिस क्वेश्चन दिस लेसन इज कम्प्लीटेड, आई हैव जस्ट मीन्स ट्राई टू एक्सप्लेन इट एट माई बेस्ट, और आपका जॉब बनता है, आपका काम बनता है कि आपको इसको अंडरस्टूड करना है, इलुस्ट्रेट करना है, आपको थॉरली रीड करना है, and you have to learn each and every concept which is given in this lesson. So if you like this video, don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon button, so you will get notification of upcoming videos on time.
Thanks and keep watching. Have a nice time.